नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे प्लस एसएससी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपको पता है जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं और आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम TCS कंपनी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और ये जो आपके RPF, SI का, रेलवे ग्रुप डी का, ALP सभी का एग्ज़ाम TCS कंपनी ने करवाया था, और अभी आपके जो SSC GD के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी TCS कंपनी करवाएगी। तो बहुत से क्वेश्चन इनमें से रिपीट होने के चांसेज हैं, और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ RPF SI के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए RPF SI का एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक हुए थे। टोटल 23 पारियों में एग्ज़ाम चले थे, और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक पारी में आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए थे RPF SI में। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन होंगे 23 पारियों के आपके 2760 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन पेपर आपके इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे। इसके अलग अलग PDF फाइल मैंने बनाई है, और ये आपके टोटल PDF फाइल में पेज की बात करें तो 720 प्लस पेज की PDF फाइल है। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग सभी पारियों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यदि आप रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑल 135 पारियों के क्वेश्चन पेपर, हिंदी भाषा में रहेंगे। ये आपके 4700 पेज की PDF फाइल है, और प्लस ALP CBT फर्स्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और वहाँ से आप डायरेक्टली ₹30 का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो फाइल के डाउनलोड का आपको विकल्प मिल जाएगा, प्लस आपके Gmail ID पर भी डाउनलोड की लिंक है वो सेंड कर दी जाएगी। और कोई भी इश्यू आता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Gmail ID दे रहा हूँ, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में अपन स्पेशली बात करेंगे RPF SI में जो आपके GK के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक पारी में 50 आपके क्वेश्चन GK के पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी 23 पारियों के आपके क्वेश्चन होंगे। 50 × 23 बराबर लगभग 1160 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो के बीच में मैं एक कूपन कोड बताऊंगा जिसकी सहायता से आपको 50% ऑफ में ये PDF फाइल मिल जाएगी उस कूपन कोड की सहायता से। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। एक बार ये आप वीडियो देख लेंगे, ये लगभग 4 से 5 घंटे का वीडियो होने वाला है, प्लस आप उस PDF फाइल में क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके RPF SI 5 जनवरी के प्रथम पारी में कौन से GK के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ये है आपके मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि उद्योग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियाई है, ये आपके सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो महमूद बेगदा है, ये गुजरात साम्राज्य है, इनके प्रसिद्ध सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत दे रखा है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट नंबर बी, विशेष महत्व को के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो गतिज श्यानता की इकाई है पोइज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका है, इसका उपनाम है द डार्क महाद्वीप। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों के रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज। एक तो आपके पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में जो मिट्टी के रूप में जमा खनिज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं प्लेजर डिपॉजिट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड आता है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो रेवाइंस है, जिसे बीहड़ बोलते हैं आप, तो ये आमतौर पर चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माशिंद्राम हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। यहाँ पे केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए जो आपके प्रथम 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी R.S. सरकारिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रिले ये दौड़ से संबंधित शब्द है, तो रनिंग हो जाएगा आपके। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी आपकी भाषाएं हैं? तो टोटल लैंग्वेज हैं 22, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? ये दोस्तों डी ग्रुप में भी आया है और आपके आरपीएफ में भी 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हॉर्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? वित्त आयोग है, इसको अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 280 आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के फिलहाल अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक काम सूत्र किसने लिखी थी? तो काम सूत्र बुक्स हैं, इसके लेखक है वात्स्यायन, आपका करेक्ट हो जाएगा। काम सूत्र के लेखक है वात्स्यायन। एक्सरे की खोज किसने की? तो डब्ल्यू के रोंटजन ने की थी, विलहम कॉनराड रोंटजन ने। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना आपके लघुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता ये श्रृंखलन कहलाती है। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जो आपके सह संयोजक बंध बनाता है ये उसकी विशेषता होती है श्रृंखलन की। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था आपके 1990 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है? तो लेपाक्षी मंदिर आपके आंध्र प्रदेश में है, लेपाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो यहाँ पर खो खो हो जाएगा, बाकी यहाँ पे तीनों खेल हैं वो व्यक्तिगत हैं, एक खिलाड़ी खेल सकता है। और खो खो में प्रत्येक टीम के अंदर आपको पता होना चाहिए टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा किसने दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने किए थे आपके दोस्तों 1981-82 में किए थे IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बनती हैं, तो ये घटना आपके एल नीनो कहलाती है। इसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश है वहाँ से गर्म समुद्री लहरें बनती हैं, एल नीनो ये कहलाती हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? तो खसाबा जादव है कुश्ती रेसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक उत्पन्न आभासी बल है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, इसका नाम है क्लोरामेम्फीनोकोल। क्या नाम है? क्लोरामेम्फीनोकोल है, जो कि एंटीबायोटिक युक्त एक क्लोरीन है। और अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो टेबल टेनिस का जो इंटरनेशनल शासी निकाय है वो आपके IEEF है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, तो स्ट्रामबोली हो जाएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्रामबेली। अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो शक्ति है ये आपके संसद के पास में है। और प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो ये घटना आपके कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। इस घटना के अंतर्गत मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को कहते हैं सीधी रेखीय गति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रखा गया था रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की जो योजना बनाई है उसका टारगेट आपके 2022 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर की सहायता से मापा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत तो संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका महायान शब्द है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये धर्म हो जाएगा आपके बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसकी ब्रांच का नाम है एपीकल्चर। लोथल का प्राचीन नाम हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल का प्राचीन जो हड़प्पा शहर है ये राज्य गुजरात में अभी स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो हिंडोला महल और जहाज महल ये मांडू क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय वास्तुकला शैली है इससे संबंधित है, मांडू क्षेत्र। और अगला है कि पेरी प्लेनेटा अमरीकाना का साधारण नाम क्या है? पेरी प्लेनेटा अमरीकाना इसका साधारण नाम है अमरीकन कॉकरोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो कौन से रूप में जारी किया जा सकता है? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। अगला है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय है ये स्थापित किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स भी है, आपके कश्मीर वैली है, ये आपके चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। और 5 जनवरी की जो प्रथम पारी का लास्ट जीके का क्वेश्चन है कि खेलों में डेकाथलॉन नाम से स्पष्ट है डेका, तो ये कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है इसमें? डेका में आपके 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। और अब आप कंटिन्यू करते हैं 5 जनवरी के सेकेंड सेप के साथ। यहाँ पर प्रत्येक पारी में आपको पता है 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस PDF फाइल में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो GK हैं प्लस आपके रीजनिंग और मैथ्स के। और अब यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं 5 जनवरी के सेकेंड सेप के GK के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलन शाह कप, जो सुल्तान अजलन शाह कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है हॉकी से। समय अवधि का सूत्र आपको पूछा है, तो समय अवधि का सूत्र हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी होता है। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? लोकसभा के उपसभापति को। बेकिंग सोडा का आपको सूत्र पूछा है, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है कि IPL में पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मनीष पांडे आपका करेक्ट हो जाएगा। और मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में, कहाँ पर है? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? तो इंटरनेशनल राइस ईयर है 2004 को, इसको निर्धारित किया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है बीजक, क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो द ट्रबनेटर है हरभजन सिंह का उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो आपका दांडी मार्च है ये 1930 को आयोजित किया गया था, कब किया गया था? 1930 को। अगला है कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जोतना, क्या कहा जाता है? जोतना, खेत को जोतते हैं इसमें आपकी मिट्टी को मोड़ते हैं और ढीला करते हैं।
रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह है ये आपके 1783 को हुआ था। कब हुआ था? 1783 को। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई है? तो भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा अभी 2015 से 2020 तक है। अगला है कि कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो बाजरा हो जाएगी, बाकी तीनों यहाँ पे तेलीय फसलें हैं। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपके दमन और दीव है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो राज्य कौन सा है जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। बाकी आई थिंक आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा आगे। यूएस ओपन 2018 में विमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो नाओमी ओशाका ने जीता है। 2018 में जो महिला एकल का खिताब है यूएस ओपन 2018 का, नाओमी ओशाका ने जीता है। भारतीय गणराज्य में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो आपके पुडुचेरी है इसमें कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो संसदीय लोकसभा निर्वाचन सीटें हैं आपके एक, कितनी है? एक सीट है इसमें। और कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो ये आपके मंगोलिया में है, मंगोलिया में रेगिस्तान है जो गोबी है, गोबी रेगिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। और कौन सा एक ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक सोर्स है? तो टमाटर, टमाटर में जो एसिड होता है वो आपके ऑक्जेलिक एसिड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में उसका नाम पूछा गया है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी होगी भूतापीय ऊर्जा। कौन सी है? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। और दिल्ली चलो नारा किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा, दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया है? तो अलीगढ़ में जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी के द्वारा नियुक्त था, तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा है प्रथम, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम है पोलिश ज्लोटी आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? रिपीट हुआ क्वेश्चन आपके 5 जनवरी के प्रथम पारी में भी पूछा गया था और सेकेंड में भी आ गया है, टोटल 22 भाषाएँ हैं। राष्ट्रीय गृह बैंक नेशनल होम बैंक का आपके मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। और अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर आपके एक होता है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? तो यहाँ पर आपका पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपके 5.8×10^24 किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये अनोक्षी श्वसन हो जाएगी, जिसमें जीव है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून बनाने के लिए जो अंतिम औपचारिकता रहती है वो आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी आपको पूछा है देहरादून हो जाएगी। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुशन वंश, कनिष्क है ये कुशन वंश के महान राजा थे। भूटान की कैपिटल पूछी है थिम्पू हो जाएगी। ईपीएफ की फुल फॉर्म पूछी है आपके, ईपीएफ की पूर्ण रूप ये जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया है, पोर्टफोलियो सिस्टम। अगला क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राजस्थान का है ये। रडार का फुल फॉर्म आपको पूछा है, तो रडार का पूर्ण रूप हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि होती है तो 6 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो किदाम्बी श्रीकांत है बैडमिंटन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका यूपीएससी है तो इसके सदस्य हैं ये किन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इनके जो मेंबर हैं इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तुंग भद्र बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तुंग भद्र बांध है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में है। बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ़ की जो क्रिस्टल युक्त बारिश है उसको कहा जाता है बर्फ़ बोला जाता है। ओले होते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो बर्फ़ आपका करेक्ट है। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके 50 क्वेश्चन 5 जनवरी की सेकेंड पारी के। अब देखते हैं 5 जनवरी की जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसके कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि संसद के किस सत्र के 17वें और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो 17वें और आरंभ का अगले सत्र का वो जो समय अंतराल होते हैं उसे विश्रांति बोला जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए हैं? तो अमेरिका और यूरोप के बाहर प्रथम बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो आपके मेलबर्न में हुए थे। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष अंतराल में की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर बोला जाता है और उपसभापति डिप्टी स्पीकर इनके पदों का सृजन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो इनके पदों का सृजन है ये हुआ था आपके 1921 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो मोंटेवीडियो में किया गया था प्रथम बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन फीफा द्वारा। नाइट्रिल और ईस्टर हैं इसके अपचयन द्वारा जो एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है ये किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो एल्डिहाइड का उत्पादन होता है ईस्टर के अपचयन से। नाइट्रिल और जो ईस्टर होता है इसके अपचयन से स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है कि जनरल एंटी अवॉइडनेंस रूल्स जिसे गार बोलते हैं आप, जनरल एंटी अवॉइडनेंस रूल्स, तो इसका प्रस्ताव पहली बार कब पारित हुआ था? जनरल एंटी अवॉइडनेंस जो रूल है गार, इसका पहली बार जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये आपके प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का जो आवंटन होता है ये जो अनुसूची है आपके 4th अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो हाई जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में जो थोरियम है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जुडो के खेल में डयिन का क्या अर्थ है? तो जुडो का खेल में आपका डयिन शब्द है इसका अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? मालिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक झील है। शब्द डेड बॉल, जो डेड बॉल होती है ये निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है और ये आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल जालक में जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसमें बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, तो यहाँ पे पूछा गया इसका अन्य नाम क्या? तो फ्रेंकल जो त्रुटि होती है इसका अदर नाम है विस्थापन दोष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और विसर्पी नदी मतलब वो नदी जो लगातार अपना मार्ग बदलती है वो विसर्पी नदी हो गई। इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो इनके बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं वो जो बाद में नदी के बाद में जो कौन से रूप में विकसित होते हैं? तो ये ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है।
विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो विनोबा भावे द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था अन्य किस नाम से इसे जानते हैं? तो रक्त रहित क्रांति से नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वेल्डस दक्षिण अफ्रीका है, उनके खुले हुए जो विस्तृत क्षेत्र है इन्हें वेल्डस बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर तो डेल वी अपॉन डेल टी आपके हो जाएगा त्वरण, औसत आपके एवरेज हो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। भक्ति आंदोलन में शैव जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय है वो क्या कहा जाता है? तो इन्हें नायनार, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद, इन जो ये पुस्तक है किताब उल हिंद नाम है इसका, इसकी रचना किसने की है, इसके लेखक कौन है? तो अल बरूनी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन, कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? स्पेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये आपके पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो सैनिक कानून है अनुच्छेद 34 के तहत संरक्षित है, ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़, कौन सी प्रतियोगिता कूदने की नहीं है? तो ये आपकी लघु दौड़ हो जाएगी, बाकी पोल वॉल्ट है, बाधा दौड़ है, तैराकी, इन सभी में आपके जंप होता है। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो स्पिन होता है, ग्रिप, स्ट्रोक, ये तीनों होते हैं, टी ये टेबल टेनिस खेल का कौशल नहीं है। नेक्स्ट थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक है वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है, ये है नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य। निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित आपके प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने की प्रथा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई प्रथा है। अगला क्वेश्चन है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? तो संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण को कहा जाता है कैनाल किरणें। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध है सूफी संप्रदाय से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो शून्य होता है, गोलाकार सेल है इनके भीतर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा शून्य होता है। और तने अथवा शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था है ये क्या कहलाती है? इन्हें फाइलोटैक्सी बोलते हैं, तने और शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था है वो फाइलोटैक्सी कहलाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है? तो ये FSDC की स्थापना हुई है पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता के अनुसार लगने वाले प्रो पुअर जो गरीबों के हित में होता है उन्हें प्रो पुअर कहते हैं, कर कौन सा है? तो प्रो पुअर आपको टैक्स पूछा गया है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके प्रगतिशील कराधान जो कि करदाताओं पर उनकी संवहनीयता के अनुसार लगता है। अगला है कि निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार, होली हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी आपके 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा के रूप में जो नृत्य शैली है वो आपके कथकली है, कौन सी है? कथकली। और गोम्बेटा, गोम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो गोम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध है कर्नाटक से, कौन से राज्य से? कर्नाटक से है।
और बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित हैं? तो 14 वर्ष से या उससे कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए श्रम है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 23 है और इनके लिए मुक्त शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21 ए के तहत। दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो ये आपके हो जाएगा अस्थि ऊतक। और सेकेंड पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की आपकी अध्यक्षता की है बीपी मंडल ने। और निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में? तो ये हो जाए आपके मध्य प्रदेश में। बेहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बेहमनी राज्य है महमूद गवन के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। गवन के शासन के कार्यकाल में बेहमनी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है कि आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वो आपके 1398 में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले पारी की तरफ। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू है। और चलिए यहाँ पे 6 जनवरी के प्रथम पारी के क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उप गवर्नर उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो वीके शर्मा आपके करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं रहे हैं, बाकी सभी रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुजीवी या फिर इसे एरोबिक बोलते हैं, तो ये श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो कौन से श्वसन है? तो वो आपका एरोबिक या वायुजीवी श्वसन है। ये ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। सुनील छेत्री हैं ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो बादाम हो जाएगी, ये आपकी घास नहीं है। बाकी सभी सबई बांस जो अल्फला है ये घास की फसलें हैं। 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे बात हो रही है मैन सिंगल की, यूएस ओपन 2018 की नोवाक जोकोविच ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2011 वर्ष आपका 2011 वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहते हैं वृष्टि। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने की क्रिया ये आपके वृष्टि कहलाती है। भारत के योजना आयोग के किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है योजना आयोग था जो पहले वो प्रतिस्थापित होकर अब कौन सा आयोग बन गया है? तो नीति आयोग हो जाएगा आपके। मलेशिया की करेंसी पूछिए तो मलेशियाई रिंगित है, मलेशियाई रिंगित। और राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो NIBM है तो ये कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। विद्युत में KCL, KCL का अर्थ होता है किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो वह स्वतंत्रता सेनानी है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो नहीं किया है, कभी घोषित नहीं किया है अब तक। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1929 का अधिवेशन, लाहौर सत्र अधिवेशन है। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था तेंदुलकर ने। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्टेडियम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला पूछा है तो ये हो जाएगा आपके CaSO4.5H2O। यदि यहाँ पे 2H2O कर दे तो वो आपके जिप्सम का हो जाएगा। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन है, जो सिंह सभा आंदोलन ये कब गठित हुआ था? तो अमृतसर में सिंह सभा जो सभा आंदोलन है ये आपके गठित हुआ है 1873 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा बोला जाता है। तो जो गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री है पृथ्वी की सतह के नीचे हाई टेम्परेचर पर उसे मैग्मा बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है?
तो प्रथम अनुसूची हो जाएगी। अगला है 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह, जो कि आपके 1875 और आपके 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता का नाम आपको पूछा है, तो इनका नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हो जाएंगे। और एशिया कप कौन से खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो रासलीला नहीं है। आपका जो क्लासिकल डांस होता है वो रासलीला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य जो आपके चुनाव आयुक्त हैं उनके कार्यालय का जो कार्यकाल होता है वो आपके 6 वर्ष होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित देशों या फिर महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। कहाँ पर है? उत्तर अफ्रीका में। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है? तो वल्लभचार्य ने किया है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है वल्लभचार्य ने। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.347 × 10²² किलोग्राम। ये आपके चंद्रमा का द्रव्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो हिंदी भाषा है भारत की राजभाषा। प्रधानमंत्री किसके नेता होते हैं? तो लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। मुगल लघु चित्रकारी ये किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? तो मुगलों के काल में जो लघु चित्रकारी है जहांगीर के शासनकाल में शिखर पर पहुँच गई थी। अगला है कि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो मैंने आपको बताया था जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश वाला क्वेश्चन था, किसका सबसे कम आपके केंद्र शासित, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम होता है। और मैंने बताया कि नेक्स्ट पारी में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो न्यूनतम घनी आबादी वाला आपके स्थान हो जाएगा ग्रीनलैंड। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को बोलते हैं रबी। रबी की फसलें जो कि सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें। उकाई बांध आपके गुजरात में स्थित बांध है। उकाई बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा आपके। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल आपके जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रथम पारी में पूछा गया। तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल। ESIC का फुल फॉर्म आपको पूछा है तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? भारत का 29वां राज्य बना है तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना है। आवृत्ति के लिए सूत्र ये भी रिपीटेड है, तो 1/ आवर्तकाल आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था जो पहले वाला कि आवर्तकाल का आपको पूछा था, आवर्तकाल का हो जाएगा 1/ फ्रीक्वेंसी। और निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इससे पहले आपके ऑक्जेलिक एसिड का आया था जिसमें टमाटर था, तो लैक्टिक का यहाँ पे दूध हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, इजी क्वेश्चन है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम, तो हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं ध्यानचंद, तो इनका उपनाम हो जाएगा विजार्ड या जादूगर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है 2 सदस्य होते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम आपके 2 हो जाएंगे। और नेक्स्ट की पारी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं RPA पैसा 6 जनवरी के 3rd शिफ्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है और CAG कैग है ये किन खातों का लेखा परीक्षण करते हैं? तो कैग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का लेखा परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? चार मीनार आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है।
अगला क्वेश्चन है, जो तेभागा किस प्रांत में हुआ, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन है तेभागा, ये कौन सा आंदोलन है, तो क्वेश्चन में आ जाए तेभागा किस प्रकार का आंदोलन है, तो ये कृषि आंदोलन है। किस प्रांत में हुआ, तो बंगाल में हुआ था, तेभागा बंगाल में भी हुआ है। कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस शहर को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो शहर है आपका गुवाहाटी, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो शॉर्ट ट्रैक, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी में जो आता है वो आपके शॉर्ट ट्रैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए हैं, तो ये आपके 73वें, कौन सा है, 73 संशोधन अधिनियम है, इनके तहत पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को जो 11वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडी भाषा का निर्णायक युद्ध है ये किनके मध्य हुआ था, तो वांडी वास का जो निर्णायक युद्ध है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, वांडी वास का निर्णायक युद्ध। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दांव, भारतीय कृषि को कहा जाता है मानसून पर दांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक, जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें अचक्रिय एवं खुली श्रृंखला होती है उनको बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक होते हैं, और जो बंद श्रृंखला के होते हैं वो तो आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, केवल पादप कोशिकाओं में होती है। और कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो गंडक, ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, क्योटो प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली को किससे जोड़ता है, तो अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के मध्य ये राजमार्ग एक है, नेशनल हाईवे 1। अगला है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की है, तो M.M. पुंची ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित टर्म है, तो ये क्रिकेट की टर्म है। अगला क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर जो रनर है इसमें से पंकज आडवाणी नहीं है, और बाकी PT उषा, उसैन बोल्ट, हिमा दास, ये सभी आपके दौड़ प्रतियोगिता से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। कार्य करने की दर को बोला जाता है शक्ति, T बराबर W/T होता है, W/T कार्य करने की दर। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबक के विकिरण, यहाँ पर आपका ऑप्शन है विद्युत चुंबक के विकिरण है, जो कि विद्युत और चुंबक के क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबक के विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो संसद के विशेष बहुमत के जो बहस है उसके आधार पर आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन होता है राज्य के। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिरिलिटी बोलते हैं कोई भी पदार्थ है उसके अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण चिरिलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो ये आपकी ब्रीडिंग की प्रक्रिया है बायो फोर्टिफिकेशन, इसके तहत उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं बायो फोर्टिफिकेशन के द्वारा। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य मंत्रियों की शपथ है ये आपकी अनुसूची हो जाएगी तीसरी शेड्यूल के तहत। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव का जो रेशियो होता है, हाइड्रोलिक तनाव और आपके आयतनिक तनाव का अनुपात है, इसे बोलते हैं आयतन, इसे बोला जाता है आयतन प्रत्यास्थता मापांक, आयतन प्रत्यास्थता मापांक है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो राज्यपाल, गवर्नर के पास है।
अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है राज्यपाल के पास में। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदला है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, वह जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण पर्त में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसे बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। वह जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण पर्त में व्यवस्थित होती हैं, तो इस प्रकार की कोशिकाएं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में जो प्रदर्शन किया था और उसकी ख्याति है वो वापस दिलाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है आपके 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई गई है, तो किसने बताई है? परिभाषा कुछ इस टाइप से है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो रॉबिन्स का है। ये किसका यहाँ पे स्टेटमेंट है? रॉबिन्स का है। एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की यहाँ पे संभावना बताई गई है? तो 2031-32 तक जो बिजली की मांग है वो आपके 8 लाख मेगावाट तक होने की संभावना है। ये आपके एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार है। तो नेक्स्ट है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? एक तो आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ कनेक्ट करती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल के पास है। उनके स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार है राज्य विधानमंडल के पास में। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो जो यूरोप महाद्वीप है तो उसका देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर कोई भी बंदरगाह नहीं है। कौन सी झील है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो शो मोरीरी झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका जेमू ग्लेशियर है ये सिक्किम का। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 1987 में ये हस्ताक्षर हुए हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं 1987 में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये मराठाओं को किसने हराया इस लड़ाई में? तो ये हुई थी आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। संसद के दोनों सदन जो राज्यसभा लोकसभा हैं उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये आपके प्रावधान लिया गया है इन दोनों की बैठक का। और इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो रग्बी। बाकी खो खो कबड्डी लूडो ये तीनों ही एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, रग्बी की नहीं हुई है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल का टर्म नहीं है? तो बॉक्सिंग की टर्म कौन सी नहीं है? बर्डी। बाकी अपरकट, नॉकआउट और पंच तीनों बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन सा उत्पादन एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो आपके जो उत्पादन है इसका प्रमुख फैक्टर कौन सा नहीं है? परिवहन नहीं, बाकी परिश्रम है, भूमि है, आपके इन्वेस्टमेंट पूंजी वगैरह सभी उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन से वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके अथर्व वेद। FIG किस खेल का शासी निकाय है? जिम्नास्टिक का है। FIG जी जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो भद्रवती। लोह और इस्पात कारखाना जो कर्नाटक में स्थित है वो आपका भद्रवती कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक है फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरीद शेरशाह। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संवैधानिक अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा
टोटल उस समय 10 मूल कट्टे जोड़े गए थे, बाद में 2002 में आई थिंक बढ़ाकर 11 कर दिए गए हैं। आपके ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय न्यायालय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो एकीकृत जो भारतीय न्याय प्रणाली है वो आपके एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है, गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA एक लोन या एडवांस है जो जो कि आपके 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, जीके का, वो है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी झील, जो ताजे मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपरियर झील। कौन सी झील है? सुपरियर झील। अब कंटिन्यू करते हैं RPSI 10 जनवरी के प्रथम पारी के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिका में जो भारतीय शोध केंद्र है वो आपके दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फुटबॉल टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य है? तो एक तो आपके ओडिशा है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश वंशधारा जल विवाद से संबंधित दो राज्य हैं, इनके मध्य है जल विवाद, वंशधारा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ है, जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप हुई थी, तो 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है हिमा दास ने। किसने बनाया है? हिमा दास ने बनाया है। भारत के संविधान सभा का गठन किया है आपके 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? रेगुर मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी है ये आपके रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किनके द्वारा तैयार की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड विश्व जो आपकी हैप्पीनेस है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों का अध्ययन होता है? तो हिस्टोलॉजी में होता है, हिंदी में बोले तो आपकी उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान या फिर इसे हिस्टोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरो एथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो ये आपके टेफ्लॉन निर्मित होता है, जो कि टेट्राफ्लोरो एथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है, ये जो मौलिक है टेफ्लॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुल्तान अजलन शाह कप रिपीटेड क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी से संबंधित कप है आपका सुल्तान अजलन शाह कप। हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की है? तो विजयनगर। हरियर और बुक्का ने जो साम्राज्य की स्थापना की है वो आपका विजयनगर साम्राज्य है। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ये आपका उत्प्रेरक है। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता? तो उत्प्रेरक, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, कैटालाइसिस। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक है? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक है आपके गोपाल। पाल के कौन है दोस्तों? गोपाल है। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुवा राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय। कौन सा शासक है वो तुलुवा राजवंश से संबंधित है? कृष्णदेव राव आपका करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कौन सी नदी है वो आपके बर्ड पक्षी के जो पंजे हैं उसके आकार का डेल्टा बनाती है? तो बर्ड फूट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी नदी। और यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता? तो ये उसका वीटो होता है, विशेष जो निलंबन निषेधाधिकार पावर होता है, तो निलंबन निषेधाधिकार जो वीटो है इसके तहत राष्ट्रपति कोई भी विधेयक है वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूराल पर्वत और यूराल नदी ये यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया। यूरोप को एशिया से कौन अलग करती है? एक तो आपका यूराल पर्वत है, दूसरी यूराल नदी है। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है? तो ये देखिए यहाँ पे पहला जो खाद्य श्रृंखला का जो एक श्रृंखला होती है खाद्य, इसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में होता है
और अंतिम स्तर जो समाप्त होता है वो मांसाहारी उपभोक्ता के रूप में समाप्त होता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला कहलाती है इसे ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, जो प्रथम ये आपकी ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। और द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती हैं जो जो क्या जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? तो भाग है आपका 13वां। इसके तहत व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के भाग नंबर 10+3 13 के भाग के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कि किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग हैं जो आपके सी ए सी पी की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की है? पुर्तगालियों ने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की है, पुर्तगालियों के द्वारा ये शुरुआत की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो आपके स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता, इन सभी ये जो आदर्श हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंच के संविधान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता, समता और बंधुता है जो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, ये कौन से संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं? तो फ्रेंच के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पेंटाथलॉन, पहले एक आया था डेकाथलॉन का, जो 10 प्रतिस्पर्धा जो होती है वो 10 खिलाड़ियों के मध्य होती है। तो पेंटाथलॉन नाम से स्पष्ट है 5 खिलाड़ियों के मध्य होती है। सॉरी यहाँ पे खिलाड़ी नहीं, कितनी इसमें स्पर्धाएं होती हैं, जो दौड़ होती है, जंप होती है, तो वो कुल मिला के आपके पेंटाथलॉन में 5 होती हैं और डेकाथलॉन में 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की जो बहुलीकरण प्रक्रिया है ये प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो एसिड बनाने की जो आपके बहुलीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। ग्रेट डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिविजनिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपके। अगला है आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन। आवेशित कण होते हैं या फिर आयन्स होते हैं, उनको उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए जो मशीन का उपयोग होता है वो आपके साइक्लोट्रॉन मशीन होती है, जिसके तहत है इन कणों को उच्च ऊर्जा में त्वरित किया जाता है। इल्तुतमिश के जो इल्तुतमिश हैं, शासक हैं, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनकी थी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा? तो संसद के तहत कानून बनता है, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष है केंद्रीय गृह मंत्री। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत के अंदर जो आपका अपह शब्द है इसका अर्थ होता है जल। अपह का अर्थ होता है दोस्तों जल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को कहते हैं मैंगो वर्षा, जो कि केरल और कर्नाटक में होती है। ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन था मैंगो वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो ये केरल और कर्नाटक में होती है, चूँकि मानसून से पहले होती है, इनका वहाँ पर नाम है स्थानीय मैंगो वर्षा। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो प्रथम जो आपकी टॉकी बोलने वाली फिल्म है वो आलम आरा है। कौन सी है? आलम आरा है। निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी? तो भारत की जो आध्यात्मिक राजधानी वो वाराणसी है। कौन सी है? वाराणसी हो गई। और दिल्ली में निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाने जाते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले, जो बिजली के फेज सिग्नल है अथवा आवृत्ति इसको बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत जो स्थैतिक डिवाइस का उपयोग होता है, कौन सा यहाँ पे विद्युत डिवाइस प्रयुक्त होता है जो कि आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाता है? तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत, 123 अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है कि एक धर्म को अपनाने, कोई भी अपन धर्म अपना सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसका या फिर अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार करने का जो अधिकार है ये कौन से संविधान में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 के तहत अपन ये सब कर सकते हैं, धर्म से संबंधित जो भी है। अगला है कि एक ग्रह शुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर
होता है उसे बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। और पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है ये आपके 1980 में आरंभ हुई थी। प्रथम जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है 1980 में। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है तो एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना के प्रथम ब्लूप्रिंट का जो प्रस्ताव है तो ये देने का श्रेय जाता है एम विश्वेश्वरैया को। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो आपके नेशनल हाईवे 2 है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 2022 जो शीतकालीन ओलंपिक है ये इसकी मेज़बानी कौन सी सिटी में होगी? तो बीजिंग में होगी। 2022 के ओलंपिक खेल हैं ये मेज़बान आपके सिटी है बीजिंग। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी है? पूर्वगामी सिंधु नदी। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य विकसित होने वाला विभवांतर कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है ये किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निदेशक सिद्धांत है आयरिश संविधान से लिए हुए हैं। और गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य धुरी बोलते हैं जो कि गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है त्राइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपके 1192 में लड़ी गई थी। त्राइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य है भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। तो लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, वो है कि एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को बोलते हैं पोलियोम्ब्रियोनी। पोलियोम्ब्रियोनी होती है जो एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना होती है एंजियोस्पर्म में। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आरपीएफ एसआई 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 10 जनवरी की तीसरी पारी का क्वेश्चन है जीके का, मांड कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो राजस्थान। मांड है, मांड घूमर वगैरह ये राजस्थान की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे हाईकोर्ट की, उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आंद्रे अगाशी का उपनाम क्या है? तो आंद्रे अगाशी का उपनाम है द लॉस वेगास किड। लॉस वेगास किड है जो आंद्रे अगाशी का उपनाम है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है आपके महाराष्ट्र में। उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? जो कि उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहती हैं और इस प्रकार की आपके महासागरीय धाराएं कहलाती हैं शीतल। क्या कहलाती है? शीतल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इंडियम तत्व की परमाणु संख्या आपको पूछी है। तो इंडियम तत्व का जो परमाणु नंबर है वो आपके 49 है, 49। और शब्द बटरफ्लाई स्टॉक किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्टॉक है ये आपके 13 की से। इजी क्वेश्चन था, बटरफ्लाई स्टॉक आपके 13 का से संबंधित यहाँ पे टर्म है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होती है, वी अपॉन टी होता है त्वरण। एसिटिक एसिड का आपको आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एथेनोइक एसिड है, CH3COOH होता है, तो ये आपके एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो 4.5×10⁻⁴ होता है, 4.5×10⁻⁴ होता है नाइट्रस ऑक्साइड का आपके आयनीकरण नियतांक। और शीर्ष ग्रंथि जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या स्रावित करती है? तो पीनियल ग्लैंड है आपके मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है। स्विट्जरलैंड की आपको करेंसी पूछी है, तो ये आपके स्विस फ्रैंक हो जाएगी, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विच फ्रैंक। झारखंड की राजधानी रांची है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की है? तो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है उसकी खोज की है जॉर्ज इमिल पेलाडे, जॉर्ज इमिल पेलाडे ने की है। कॉर्नर किक, जो कॉर्नर किक है ये कौन से गेम का टर्म है? तो ये आपके फुटबॉल का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS
का विघटन कब हुआ है? तो मार्च 1993 को हुआ है इसका विघटन। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निचला सदन होता है निम्न सदन, ये आपकी लोकसभा होता है जो कि भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसलिए स्थायी सदन है। और आपका उच्च सदन होता है राज्यसभा। और भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो स्वर्ण बेल गोला, ये आपके भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है स्वर्ण बेल गोला। और अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? मैरी कॉम ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, डी ग्रुप में आया हुआ है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी है आपके मैरी कॉम की। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त का होता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। निम्न में से किस देश की सीमा बाहर से नहीं मिलती है? तो थाईलैंड की सीमा है, वो इजी क्वेश्चन है। चीन की है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इन सभी के साथ भारत की सीमा शेयर होती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब CC&FC, कलकत्ता क्रिकेट सीसी एंड फुटबॉल क्लब एफसी की स्थापना कब हुई थी? तो CC&FC की स्थापना हुई थी आपके 1792 1792 AD में हुई थी। और भारत के जो ये फजाई हैं इसकी फुल फॉर्म होती है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, तो ये आपके हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी आपको पूछी है, तो 778.5 मिलियन किलोमीटर है सूर्य और बृहस्पति के मध्य की डिस्टेंस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आपके बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पाणि बोधि जो सत्व के चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? तो पद्म पाणि बोधि सत्व के चित्र हैं ये आपके अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं, जो कि आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं, वहाँ पर पद्म पाणि बोधि सत्व के चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो T20 में प्रथम महिला भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो आपके हरमनप्रीत कौर हैं, एच कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर। और नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन विधेयक या फिर अधिनियम है ये कब पास हुआ था? तो आपदा प्रबंधन विधेयक आपके पास हुआ है 2005 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो आपके 1951-52 में हुआ था लोकसभा का प्रथम आम चुनाव। मोरको की राजधानी है, तो मोरको की राजधानी आपके रब्बात है। मोरको की राजधानी कौन सी है? रब्बात हो जाएगी। और निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपकी विधानसभा सीट है। एक्का आंदोलन के नेता कौन है? तो मदारी पाशी। एक्का आंदोलन है, इनके नेता हैं मदारी पाशी। कौन है दोस्तों? मदारी पाशी। मृदा का मृत काबनिक गठन कहलाता है, तो मृदा का मृत काबनिक गठन आपके ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमस, मृदा का जो कि मृत काबनिक घटक है। और पद्मा नदी है ये किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश। पद्मा नदी है ये बांग्लादेश में बहती है। और 10^-21 है ये किसका उपसर्ग है ऐसा ही पद्धति में? तो जेप्टो, जेप्टो होता है 10^-21। जीवन स्मृति, तो जीवन स्मृति जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है जीवन स्मृति। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत है ये क्रिश्चियन ह्यूजेंस, ह्यूजेंस ने प्रतिपादित किया था प्रकाश तरंग का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो माइकल शुमेकर, माइकल शुमेकर हैं ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का टेन्योर होता है 5 वर्ष होता है, इजी क्वेश्चन और रिपीटेड है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के नागर है, इनका संबंध है मंदिरों से। जो द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, ये मंदिरों से संबंधित है।
और 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में आपकी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियाँ निज और कौन सी है? निज और रैयत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियाँ, एक तो आपके निज हैं और सेकेंड कौन सी है? सेकेंड है रैयत। CRR का पूर्ण रूप है केस रिजर्व रेशियो। CRR है केस रिजर्व रेशियो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम एज है वो 30 वर्ष है। सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के जो फ्लोएम टिश्यू है और जल का आपके जाइलम से होता है। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो कोहलापुर। गडकरी विद्रोह हुआ है कोहलापुर में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, जापान की खाई तो ट्रेंच ऑफ जापान है ये किस महासागर में है? तो जापान की खाई है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। और नेक्स्ट पारी है आपके RPF ऐसे 11 जनवरी की प्रथम पारी के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस पारी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है तो आपके 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके करेक्ट है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो स्फूर्ति आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम हुए ये किसके रूप में परिभाषित होता है? गतिशीलता आपके करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है आवेगी बल। संवेग में परिवर्तन के लिए जो कि नियत परिवर्तन बोल रहा है, थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल होगा आपके आवेगी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आर्थिक गतिविधियाँ जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि वानिकी मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ये आपकी जो प्राइमरी सेक्टर है इनके अंतर्गत आती हैं कृषि वानिकी मत्स्य पालन वगैरह आदि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? अक्साई चीन है जम्मू कश्मीर राज्य में, अक्साई चीन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? कोलर। भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? कोलर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन होता है, पूर्णतः इन इलास्टिक अप्रत्यास्त, जो पूर्णतः अप्रत्यास्त टक्कर होती है जिसमें संगठन के बाद एक साथ कण है वो संचालित होते हैं। और समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओपिनियन इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस का जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक्स के लेखक है एडम स्मिथ। कौन सी समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? तो विशेषाधिकार समिति है ये आपके अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? तो सेबास्टियन वेटल है जर्मनी से। F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल है ये आपके जर्मनी से हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता ने। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह, अभी ये ग्रह नहीं रहा है। तो कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो हो जाएगा आपके। निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए चार आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए चार आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? 14 दिनों के लिए धन विधेयक पर जो राज्यसभा है वो रोक लगा सकती है 14 दिनों तक।
और नेक्स्ट है कि इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है, तो म्यूकस को करती है गॉबलेट कोशिका। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है, तो धन्वंतरी को बोला जाता है औषधि का देवता। आपके ऑप्शन डी करेक्ट है, औषधि के देवता है धन्वंतरी। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है ये बोधगया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बोधगया में है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो इनके हैं भास्कराचार्य। पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो चंदन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में चंदन वृक्ष पाया जाता है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है, तो फैक्टर्स हो जाएगी, ये आपकी फैक्टर्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। अगला है विश्व भर में MNCs द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, तो विश्व भर में MNCs द्वारा जो निवेश होता है ये आपके विदेशी निवेश होता है। और संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है, तो बजट है वैसे संविधान में इसका वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट शब्द है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो मणिपली नारायण राय वेंकट चलेया। कौन थे, मणिपली नारायण राव वेंकट चलेया। गंगा में राष्ट्रीय राज जलमार्ग संख्या एक किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक है ये आपकी गंगा में इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में खादर पट्टी को जाना जाता है बैट लैंड। खादर पट्टी है जो पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में वो आपके बैट लैंड कहलाती है। निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, तो महानदी आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, बाकी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये तीनों आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं, यानी भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बहती हैं, महानदी केवल भारत में बहती हैं। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, ये कहलाता है रेडियल सममिति। क्या कहलाती है, रेडियल सममिति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बम्बई में हुआ था आपके। और वशवना के अनुयायी कहलाते हैं वशवना के अनुयायी। अमेरिका की खोज की है दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना एक चक्रीय ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है वो होता है आपके पाइरेन। कौन सा होता है दोस्तों, ये आपके पाइरेन होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, तो ये आपके उरुग्वे ने किया है प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर गुजरती है, बेरिंग जलसंधि। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये कौन सी जलसंधि से होकर गुजरती है, तो बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। और शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है, शेक हैंड ग्रिप शब्द है ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित शब्द है, टर्म है। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय ये आपके बहुमत व्यवस्था है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे, तो इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जो प्रथम अंग्रेज गोल्फर ने जीता है, सो इससे पहले किसी अंग्रेज गोल्फर ने नहीं जीता ये खिताब, वो है दोस्तों मैट वेल्स। कौन है, मैट वेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता इस टाइप का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया है वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने।
नायलॉन 6-6 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग होता है? तो नायलॉन 6-6 है, बहुलक है, इसके निर्माण में आपके एडिपिक एसिड का प्रयोग होता है। किसका होता है? एडिपिक एसिड का। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो धन विधेयक का संशोधन है ये केवल लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम बार जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, ये प्रकाशित हुआ है 1990 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की है? तो अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था लागू किसने की थी? अकबर ने की थी। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया। कौन सा महाद्वीप है जिसे ओशेनिया के नाम से जानते हैं? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं है? तो भूरा, ब्राउन कलर है, इसका प्रयोग नहीं है ओलंपिक ध्वज में। बाकी पीला, नीला, लाल, ये तीनों कलर है जो महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो आर्थिक वृद्धि। ग्रोथ का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि। निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग है, इनके द्वारा पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं इस पारी के जीके के क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं RPSI 11 जनवरी की सेकेंड पारी के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनोइड और टोरोइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोट्रॉन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। और यमुना नदी ये कहाँ पर गंगा में मिलती हैं? तो इलाहाबाद, यमुना नदी है इलाहाबाद में, गंगा में मिलती हैं। बिग बैंग थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? जॉर्ज लेमेत्री। बिग बैंग सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्री ने। और कट अथवा चौट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम, जो लाल भूरे रंग का मैल है, ये जम जाता है। ये कौन से तंतुओं का एक जाल होता है? फाइब्रिन्स, फाइब्रिन्स तंतुओं का जाल होता है रक्त का थक्का। प्रसिद्ध जामा मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है रिंग, बॉक्सिंग है ये आपके रिंग में होती है। और नेक्स्ट है कि एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्यतम त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है मेसोफिल, क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल आपके 545 सभी लोकसभा सदस्य हैं। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना अधिकतम कितने लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। यहाँ से मेरे को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट वीडियो ये पूरा देख रहे हैं, एंड तक बने हुए हैं। और भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है 26 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है। और धारा घनत्व का SI मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का SI मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर मीटर स्क्वायर है धारा करंट डेंसिटी। हरित क्रांति का जनक है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। और चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एलनोर, कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया है? एलनोर बंदरगाह का। अगला है कि MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? ये आपके चेन्नई में है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य है तेलंगाना, जो 29वां राज्य है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, नाम जरूर याद रखना दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश का है। ये रचना इसकी किसने की है? तो भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति है जो कि राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है रूस की बोल्शेविक क्रांति में। निम्न में से कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो अजलन शाह कप है, और ये आपके हॉकी का है दोस्तों, BCCI क्रिकेट का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, कौन सा शहर है चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है, तो दिल्ली एक प्रकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकारकों के सकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है दर संबंधी नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है, तो ओंगोल नस्ल का उपयोग होता है। और भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 से आपके 1962 तक का ये जो काल है ये भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध है राजस्थान से, कढ़ाई कला गोटा का संबंध राजस्थान राज्य से है। और दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों को प्रचलन किया है, तो इल्तुतमिश ने किया था, टक्का और जीतल सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी, अकबर। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, ये इन कथन संबंधित है। कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है ये कहता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें परिवर्तन है, वस्तु पर किए गए कुल बल के इक्वल होता है, तो ये आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय की थ्योरम है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है। और शरदीय विषुव किस तिथि को होती है, सॉरी शारदीय विषुव है ये आपके 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है, ख्याल का अर्थ होता है जो एक हिंदुस्तानी संगीत शैली है इसका अर्थ होता है कल्पना, ख्यालों में रहना, कल्पनाओं में रहना, सपना, तो ये सभी आपके ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका संबंध है कृषि उत्पादन से। और अगला है, किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी, तो आधुनिक ओलंपिक में जो मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी वो फेडी पिडीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेडी पिडीज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए की गई है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपके 250। और निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है, जो गैसीय द्वित्य कौन सा है, यहाँ पे मंगल, प्लूटो, बृहस्पति, पृथ्वी, तो बृहस्पति आपका एक गैसीय ग्रह है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो स्वास्थ्य घटक है जो जन्म के समय क्या चांसेज है उसके जीने के, जीवन प्रत्याशा। और भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी फिलहाल, 29 राज्य। और निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्मक गलत सम्मिलित है, लाठी कर्नाटक ये आपका गलत है, बाकी सिलाम्बम तमिलनाडु, कलारीपट्टू केरल है, गटका पंजाब है, लाठी कर्नाटक गलत है। नाभिकीय रिएक्टरों में से कौन से जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होते हैं और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो भारी जल होता है आपका जो D2O होता है, ये आपके जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से D2O का निर्माण होता है, और एक नियंत्रक जो आपके नाभिकीय नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है नाभिकीय भट्टी वगैरह में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, जो रंग की अशुद्धियां हैं उनको अवशोषित करके रंग को, घोल को जो रंगहीन कर देता है वो कौन सा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एनियल, क्या हो जाएगा, एनिमल चारकोल है जो कि रंग के अशुद्धियों को अवशोषित करके रंग को रंगहीन कर देता है, एनिमल चारकोल। और राजा रवि वर्मा का संबंध है केरल राज्य से, रवि वर्मा है राजा, इनका संबंध केरल राज्य से है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है भू प्रपटी।
नेक्स्ट है कि पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को कहा जाता है अप्राण्यास। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था अप्राण्यास कहलाती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है। इसके अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है वैश्वीकरण। ये आपके अर्थव्यवस्था की गति होती है वैश्वीकरण। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम है। इनके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। एफ सी आई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूँ की बिक्री का कार्य कर रहा है, तो ये कहलाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य करता है, तो ये आपकी खुली बाजार बिक्री योजना के हैं, ये इसके तहत है। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक। कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद इस सिटी की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और इस शिफ्ट का अंतिम 50वां क्वेश्चन है, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की है? तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं RPSSI 11 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के साथ। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुनीयम लिखा है? तो कृतार्जुनीयम है, ये लिखा है भारवी ने। कृतार्जुनीयम है, भारवी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और सोमदेव देववर्मन का संबंध टेनिस से है, टेनिस खिलाड़ी है सोमदेव देववर्मन। और निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहे और इस्पात के कारखाने सर्वाधिक संख्या में हैं। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो ये जो संक्रमित कोशिकाएं हैं ये प्रोटीन है इंटरफेरॉन है, इसका स्रावित करती हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन का प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अर्जेंटीना ने की है समर यूथ ओलंपिक 2018 की, जो होस्टिंग कंट्री है वो अर्जेंटीना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1986 में की गई थी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत, 1886 में की गई थी। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था? तो ये आपके 1969 में किया गया था, मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। प्राग कणों की बाह्य प्रत एक्सिन या आपकी स्पेरोपोलिनिन की बनी होती हैं, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी काल्पनिक पदार्थ है, तो ये किससे बनी होती हैं? आपके स्पेरोपोलिनिन से बनी होती हैं। किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग हुई थी? सबसे पहले भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, और उसके बेसिस पे अन्य राज्यों ने भी मांग की है कि उनको भी अलग राज्य बनाए जाए, तो ये जो आयोग हैं आपके फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है। तो किस आधार पर है? फजल अली आयोग की रिपोर्ट। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते समय हुई थी? तो चोगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी, चोगान खेल है, तो ये खेल खेलते समय हुई थी। सबसे गहरा भूभद और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो ये आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे व्यस्त है और सबसे गहरा भूभद बंदरगाह है। और अगला क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में GDP का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में GDP का निर्धारण किया जाता है। और निम्न में से कौन सा एक बंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? कौन सा एक है? ये आपके मंदी है, जो मंदी होती है
तो मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण कौन सा नहीं है? तो मुद्रा स्फीति में उछाल, ये आपका लक्षण नहीं है। बाकी सभी, रोजगार दर में गिरावट हो जाती है, मांग में सामान्य गिरावट, ये सभी आपके मंदी के कारण होते हैं। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो गोपुरम का अर्थ है द्वार। द्वार होता है जो गेट है, वो आपकी गोपुरम है। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पास होती है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कौन सा रेगिस्तान? तो ये आपके पेंटागोनियन मरुस्थल है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरियों के मापन के लिए समानांतर जो मापन विधि है उसका ज़्यादातर उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था 2002 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होती है जो अंतिम ऋणदाता होती है। और विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, वह पहले सामंत थे। तो पल्लवों के प्रथम ये आपके सामंत थे। और मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि, मृदा संरक्षण की ये विधि है छायादार कृषि। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग किया है? योजना आयोग का, यहाँ पे डेट आपको ध्यान में रखनी है, 1 जनवरी 2015 में आपके नीति आयोग है वो योजना आयोग है, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर ये आपका क्रांतिक क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका दो माध्यम को अलग करती है। तो ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए आपका कांच वगैरह कोई भी है, तो कोई भी प्रकाश किरण आती है जो आपतन कोण बनाती है, और ये जो अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है। यदि ये पूछ रहा है कि आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जो दूसरा माध्यम है इसमें 90 डिग्री वापस इस टाइप से हो जाएगी, किरण ऐसे आई वापस ऐसे नहीं जाएगी, वापस 90 डिग्री हो जाएगी इसमें साथ में दूसरे माध्यम में। तो ये 90 डिग्री समानांतर होने पर आपका क्रांतिक कोण बन जाएगा, आपतित कोण। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो स्किट नहीं है आपके, और मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? क्रोमिक अम्ल के साथ फिनॉल ऑक्सीकृत होता है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपके रोटरडैम का बंदरगाह। और मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? बिहार, मिथिला चित्रकला के लिए बिहार है ये प्रसिद्ध है। और मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज कहा जाता है सैन्य विभाग को कहा जाता है, दीवान ए अर्ज। अगला है, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला। तो भारतीय खेलों के मक्का के रूप में जाना जाता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला को। और बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। ब्लॉक लाइन जो बाल्क लाइन है इसका संबंध है कबड्डी खेल से। और HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, गैस पाइपलाइन है। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो आपके 1936 में किया गया था पुरुष बास्केटबॉल को प्रथम बार ओलंपिक में शामिल किया गया था 1936 में। सिपाही विद्रोह हुआ था आपके 1857 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में। और मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आपके कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? तो ये आपके 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो आपके पहले आयु हुआ करती थी
मताधिकार की 21 वर्ष थी, अब वो 18 वर्ष हुई है। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 23 के तहत है। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा आवास मूल्य सूचकांक है डिफाइन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे? चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य नंद को पराजित करने में सफल हुए थे। विभव स्थिरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो जेनर डायोड का। विभव स्थिरक के रूप में, विभव स्टेबलाइजर के रूप में कौन से डायोड का उपयोग जो आपके स्टैंडर्ड रूप में किया जाता है, वो आपके जेनर डायोड है। और वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को है एक बोलते हैं लोनास, लोनास बोला जाता है। नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन GI प्रदान किया गया। ये वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो नीलांबर आपके सागौन वृक्ष है, ये केरल राज्य में पाया जाता है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीनतम विशेषता है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए कौन से परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है। और निम्न में से कौन सा अंग, ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो ये अंग आपका हो जाएगा वृक्क या किडनी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। निम्न में से किस तत्वों में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? तो मेटलॉइड में पाई जाती हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों ही विशेषताएं हैं। ये किस में पाई जाती हैं दोस्तों? मेटलॉइड में पाई जाती हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण उपधातु में। और नेक्स्ट पारी है आपके RPSI 12 जनवरी 2019 की प्रथम पारी के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस पारी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? विनाइल क्लोराइड। निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो जिम्नास्टिक से आपका गली पॉइंट है, ये शब्द संबंधित नहीं है जिम्नास्टिक से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, जो आपकी शेड्यूल नंबर 7 है। अर्माकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अर्माकोंडा शिखर है, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? कनौज का युद्ध है मुगल और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन आपकी डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपके स्वेज नहर। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण ये आपके मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जाता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की जो घूर्णन गति होती है लिक्विड के अंदर, तो इसका आपके निरीक्षण किया जाता है मैग्नस इफेक्ट के द्वारा। उर्दू का प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अस्सा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहाँ से अस्सा ये किसने लिखा था गाना? तो ये आपके मोहम्मद इकबाल ने ये गीत लिखा था। और फीफा का पूर्ण रूप है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक की धर्म जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध है ये किया गया है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 15 में। और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल है उत्तरी गोलार्ध में, ये किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? तो कोरियोलिस फोर्स है उत्तरी गोलार्ध में दाईं दिशा से आने वाली हवाओं को है, राइट हैंड साइड से जो हवाएं आती हैं उसको निष्प्रभावित करता है उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स। और जैन उल अबिदिन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था जैन उल अबिदिन। निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो नेल्सन। किस खेल का संबंध है आपके कुश्ती से? नेल्सन का है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 11वें भाग में है, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी संबंध है इनका विवरण आपको मिल जाएगा संविधान के भाग नंबर 11 में।
बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो तजला, सॉरी दजला, बगदाद है ये आपके दजला नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है राज्यपाल का टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है आपके यांग तक्षियांग है जो चाइना में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग तशी क्यांग। और भारतीय संविधान के 9वीं शेड्यूल के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो अनुच्छेद नंबर 243 ये आपके शेड्यूल नंबर 9 में है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम संख्या का निर्धारण किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत है आपके 55। कुल आपके कृषि श्रमिक हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी कृषि श्रमिक हैं इसमें से महिलाएं हैं आपके 55%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? फुटबॉल। बाकी शतरंज, लूडो, कबड्डी इन सभी की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई है, फुटबॉल की नहीं हुई है। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो बजट घाटे की अवधारणाओं में जो प्राथमिक घाटा है उसका अर्थ है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका ये मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो ये मानना है दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल का मानना है ऐसा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर ये आपका जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है धुआंधार। प्रसिद्ध नाटक है मृषकटिकम। मृषकटिकम नाटक है ये किसने लिखा था? सुद्रक ने लिखा था मृषकटिकम। और कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो बाह्य विकिरण थेरेपी में जो कैंसर के ट्रीटमेंट में है वो आपके उपयोग होता है कोबाल्ट 60 का उपयोग हुआ था यहाँ पे किया जाता है। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ है? कि महिलाओं का लिंग परीक्षण हुआ था आपके 1968 के ओलंपिक खेलों से महिलाओं का लिंग परीक्षण स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? किस समूह के सदस्यों को? तो पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना पड़ता है? 51%। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना पड़ता है? तो 51% आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिप। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिप। कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? तो ये आपके सेंट्रोसोम है जो कि कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं सेंट्रिसोम है। अगला है कि एक कोशिका अथवा कर्तोत्तक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता कहलाती है। पिछुला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित झील है, पिछुला झील है। स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं? तो स्लोप वाली जो दीवारें हैं ये तुगलक सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के निशेषाधिकार का वीटो होता है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण, जो पूर्ण निशेषाधिकार है इसका होता है जो कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये होता है पावर। और कार्मिक यौगिकों में बांड जो बंद होता है इसकी लंबाई और बंद की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? संकरण। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? शाहजहां के बारे में लिखी गई पुस्तक है पादशाहनामा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
और पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि करती है, तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति थी वो आपकी पीली क्रांति थी। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जंगल है, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावत, ये लिखी थी पद्मावत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसमें बाबर ने किसे पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को किया था। और जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है, आयतनिक तनाव, जलीय दाब द्वारा आपके आयतनिक तनाव है ये उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा खेल है, हाथ से हाथ का मुकाबला है, जुड्डो, जुड्डो है हाथ से हाथ का मुकाबला। मध्यकालीन भारत में जीटी रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। और प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान आपके पंपास कहलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है शीतोष्ण, जो कि उरुग्वे और अर्जेंटीना में है, ये आपके पंपास नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस पारी का, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो सामान्य बहुमत आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं एसआई के, जो 12 जनवरी का एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या होता है, तो प्रश्नकाल होता है, संसदीय बैठक का पहला काल आपकी प्रश्नकाल होता है। और हेनरी, थोड़ा इसे जूम आउट करते हैं, हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, तो हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध है युवा बंगाल आंदोलन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं, तो डी जनरेट, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं आपके, डी जनरेट दर्शाती हैं। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसे कहाँ खेला जाता है, तो गटका है ये मार्शल आर्ट एक प्रकार की, इसे पंजाब के अंदर खेला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चाइना से लगी हुई नहीं है, तो भारत का राज्य पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है, बाकी चीन से उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, इन तीनों की लगती है। और शैल में उनके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर जो आपकी शैल है कोशिका, ये प्लेसिड कहलाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो यूथ पार्लियामेंट योजना का प्रारंभ किया गया था चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से यूथ पार्लियामेंट योजना का प्रारंभ किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ये आपके ईसाई धर्म में मनाया जाता है ईस्टर और गुड फ्राइडे। निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ईसाई धर्म, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है, तो आगरा से मुंबई तक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है ये आपके आगरा से मुंबई तक है। और संतृप्त जल वाष्प के चाप को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त जल वाष्प के चाप को कहा जाता है जलीय तनाव, ऑप्शन ए करेक्ट है। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, रामायण है ये आपके वाल्मीकि ने लिखी है। और भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार है मौलिक अधिकार। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की है, तो अकबर ने की थी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। जो प्रथम आपके राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ गेम है, ये कब आयोजित किए गए थे, तो 1930 में प्रथम आपके राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है, तो अप्रोच रन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है, तो वॉलीबॉल है वो आपका जो मैदान है जो जहाँ पर खेला जाता है वो कोर्ट कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डीएनई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन ए करेक्ट है। सात वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण ये आपके प्रोटीन, सात वाहनों के द्वारा जो आपके तांबा और चांदी का मिश्रण उपयोग किया जाता था उसे प्रोटीन बोला जाता है। और निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुवारी मुहाने पर स्थित है, तो ये हो गया आपके मोर मुगाओ,
कौन सा बंदरगाह जुवारी मुहाने पर स्थित है? मोर मुगाऊ बंदरगाह है। निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली जो फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं? तो मार्च और जून के बीच में जो फसल होती हैं वो आपकी ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं, जो कि खरीफ की फसलें होती हैं। और संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि बेस्पोरुस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो बेस्पोरुस जल संधि है ये काला सागर और मार्मरा सागर और काला सागर हैं, दोनों को जो संधि है वो आपके बोस्पोरुस जल संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2014। मेक इन इंडिया जो नीति है ये 2014 में लागू की गई थी। वह ब्याज दर जो RBI लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है उसे बोलते हैं बैंक दर। बैंक दर होती है जो लंबी अवधि के ऋण होती हैं उनके लिए RBI द्वारा वसूल की जाती है। और देशज खेल कलरिया पट्टू मूलत किस राज्य से है? तो ये आपका जो खेल है कलरिया पाट्टू, तो ये केरल राज्य का एक खेल है। किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो ये आपके हैबियस कॉर्पस हैं जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इसमें गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। और मुक्त और अनिवार्य शिक्षा जो कि भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो आयु वर्ग है आपके 6 से 14 वर्ष तक। संविधान का जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है ये। निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से बिलोंग नहीं है? तो सुशील कुमार आपको पता है रेसलर है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी के नहीं है। बाकी जीतू रॉय, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, सभी आपके शूटिंग से संबंधित हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? धम्म महापात्र का ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से है ये सभी शब्द। एजुकेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। और यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है वात रक्त, गाउट, जो कि यूरिक एसिड के ठोस कणों के जमाव के कारण जोड़ों में सूजन हो जाती है जिसे वातरक्त या गाउट बोला जाता है। जो आपके पीएन जंक्शन है इसके निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है संपन्न होती हैं पीएन जंक्शन के निर्माण के समय। तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर जो कितने साल में आयोजित होते हैं? तो ये हर 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य से वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान 0 होता है? तो ये आपकी प्रक्रिया है रुद्धोष्म प्रक्रम। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है इसे बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट है कि राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, इन दोनों को जो आपस में जोड़ा जा रहा है वो परियोजना है राम सेतु, मन्नार और पाक खाड़ी को। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी है? तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रगान को मान्यता दी गई है वो आपके 1950 को दी गई थी। और देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य रहता है महान्यायवादिका, जो भी न्यायिक मामले हैं केंद्र के, तो इस प्रकार के मामलों में जो परामर्श सलाह वगैरह देते हैं वो महान्यायवादी। और निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू हुआ किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना है, गरीबी हटाओ नारे के साथ ये योजना आपके स्टार्ट हुई थी। और स्पर्शरेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल है ये आपके कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट है। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला, हीरो के लिए जिला है पन्ना जिला।
नेक्स्ट है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, राज्य की नीति जो पॉलिसी मेकिंग जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये आपके राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक रिपीटेड हैं, हरियर बुक्का है, और इडुक्की हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये किस राज्य में है, इडुक्की है आपके केरल राज्य की। और किस नदी को चीन की शौक, चाइना की चौक नदी है आपके हांगू ही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाने जाते हैं, तो सांझ का तारा, सांध्य तारा शुक्र का तारा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस शिफ्ट के जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की। और नेक्स्ट बारी है आपके 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट के, तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जीके का, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में जो स्टेटमेंट है ये विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और अगला है कि ओल्ड फैथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है, तो ओल्ड फैथफुल गीजर है ये USA में पाया जाता है। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई है आपके एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है, न्यूनतम 100 करोड़, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कोई भी बैंक आप स्थापित कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ की आवश्यकता होगी। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, पद्मावत। नेक्स्ट है कि सीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो सीतानवासन की गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला है निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है, 1910 से 1920 का दशक है ये आपके मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्भ्रात साक्ष्य प्रतिबंधित है, यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण है, यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। और किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगला है कि पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है डॉगर बैंक, जो कि पश्चिमी यूरोप में है। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर आधुनिक मनु। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है, तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। वर्तमान में केंद्रीय योजना है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जो आपके MPLD है, के तहत मिलने वाली राशि कितनी है, तो ये आपके 5 करोड़ है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जो राशि मिलती है वो 5 करोड़ रुपये है। और खेलों में हेप्टाथलन, देखिए दोस्तों आपके डेकाथलन आ चुका है, पेंटाथलन और हेप्टाथलन, नाम से स्पष्ट है हेप्टाथलन में आपकी 7 प्रतियोगिताएं होती हैं, तो इसमें आपकी कितनी है प्रतिस्पर्धाएं, 7। ओके, तो अगला क्वेश्चन है मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है, मिशन आपकी 10 और 1 11 है ये किस खेल से जुड़ा हुआ, फुटबॉल से। और किताब उल हिंद ये आपके दोबारा रिपीट हुआ है, अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। और नेक्स्ट है कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करती हैं, इन प्रोटीनों को एंटीबॉडीज कहा जाता है, दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक होता है। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच जो सामान्य त्रिविम जो समष्टि होती है उसे बोला जाता है क्रिस्टल लेटिस, या फिर हिंदी में बोले तो क्रिस्टल जालक। और मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ है आपके शाही कार्यशाला, कारखाना का क्या आपके अर्थ है शाही कार्यशाला। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह है तमिलनाडु राज्य में। और आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है, तो ये हो जाएगा आपके स्क्वाचियोमेट्री। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन कहलाता है
स्क्वाजियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो ये आपके तमिलनाडु है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो 1765 में दीवानी अधिकार है अंग्रेजों को मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है झूम कृषि। और इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? ताइक्वांडो हो जाएगी, ये आपकी दौड़ वाली प्रतियोगिता नहीं है। बाकी लघु दौड़, रिले, मैराथन, ये सभी आपकी दौड़ की प्रतियोगिताएं हैं। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र हैं भारत के असम राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित कब किया गया था? तो 1997 को पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? अटाकामा का मरुस्थल है जो कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। तो रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर यह बांध है आपका, भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? रोडोफिशी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रोडोफिशी है ये आपका लाल शैवाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ पर है? तो एटलस आपके अफ्रीका में है। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो तेलंगाना की स्थापना की गई है। और वुड स्प्रिट कहा जाता है किस, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? दोस्तों मेथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ऑप्शन डी करेक्ट है। जन संपत्ति पब्लिक प्रेस के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तैराकी, ये भी रिपीटेड है। के संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो 69वें संवैधानिक संशोधन के तहत है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो GST आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी प्यूटू की उत्पत्ति हुई है? केरल, कलारी प्यूटू केरल है, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था? तो 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने जो अपना प्रथम व्यक्तिगत पदक जीता था ये आपके हेलसिंकी में आयोजित हुए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और अगला है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो वेंचुरी मीटर का होता है। असंपीड़ित प्रवाह जो लिक्विड है उनके प्रवाह की गति मापने के लिए वेंचुरी मीटर का उपयोग होता है। 18वें एशियाई खेलों जो निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था? तो 18वें एशियाई खेलों का जो मास्कट है वो आपके काका भिन भिन और अतुंग था, बेरोबी नहीं था, बोरोबी। और फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? जायांग, फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है वो आपका जायांग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, ये आदेश जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में। तो इस पारी के यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
और नेक्स्ट शिफ्ट है आपकी 13 जनवरी की सेकेंड पारी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चीनी यात्री वेहनसांग, तो ये किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। वेहनसांग थे चीनी यात्री हर्षवर्धन के समकालीन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार है, बाकी सभी यहाँ पे मूल कर्तव्य हैं। और विद्युत क्षेत्र का मान किसके इक्वल होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और गडजत पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है गडजत पहाड़ियाँ। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है? 1908 को मिला था। और फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? मेनलैंड चीन और ताइवान को जो अलग करने वाली जल संधि है वो आपकी फॉर्मोसा है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा? धूपगढ़ है। और किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो आरोपित बल है उसे भार कहते हैं अपन। और दिए गए विकल्पों में से रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? रनिंग, और रनिंग है और बाद में उसको चेस करना है, पकड़ना है, तो ये खो खो की है जिसकी एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी हैं वो राउंड वाइज आपके रनिंग करते हैं। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन सी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई है? तो आपकी ये हो जाएगा 91 संवैधानिक संशोधन के तहत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मंत्रिपरिषद की जो मैक्सिमम सीमा है जो 91 संविधान संशोधन के तहत तय की गई थी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? जापान का संविधान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को जापान के संविधान से लिया गया है। और शब्द प्राइमस इंटर पारेस, प्राइमस इंटर पारेस है, ये निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? प्रधानमंत्री को दर्शाता है। और नेक्स्ट है कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा इसे संशोधित कर सकते हैं। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, विशेष बहुमत में कितना बहुमत होता है, 1/3, 2/3, ताकि मेरे को यहाँ से अंदाज़ा लग जाए कितने स्टूडेंट वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था? तो डेविड रिकॉर्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण आपके क्रोमेटिन कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तमिलनाडु की है पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपकी पॉइंट डिफेक्ट कहलाती है। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग होता है? जिम्नास्टिक में होता है वॉल्टिंग टेबल का उपयोग। और प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? हैदराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो कैबुल लामजाओ, जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कर्नाटक में नहीं है, कैबुल लामजाओ। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में की गई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री हैं आपके लोकसभा के प्रति यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सैयद अहमद हैं जो कि रायबरेली के हैं, ये आपके वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट है? थांगटा ये मणिपुर की है मार्शल आर्ट। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हेबर प्रक्रम होता है जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन की रिएक्शन की जाती है नाइट्रोजन के साथ और वहाँ पे आपके NH3 अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो हेबर विधि में। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य इक्वल होता है आंतरिक मूल्य में, मानक मुद्रा के रेफरेंस में अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के इक्वल होता है। और आखिरी मुगल
शासक कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड, आखिरी मुगल शासक थे बहादुर शाह सेकंड। और दिए गए विकल्पों में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? रिले में। बैटन का उपयोग होता है दोस्तों रिले में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ढाका शहर किस नदी के किनारे है? तो ये आपके बूढ़ी गंगा नदी, बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है ढाका सिटी। अगला है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मोटरवान। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मोटरवान नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सवाना घास के मैदान। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सवाना घास के मैदान आपका करेक्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आपको पूछा है, तो त्र्यंबक के पठार है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्र्यंबक के पठार। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो स्पोप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो स्पोप्रेसिव एजेंट के रूप में जो जैव सक्रिय अणु है वो आपका है साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा है दोस्तों? साइक्लोस्पोरिन ए, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला है कि श्री रंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई है? तो रंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। और खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? खारदुंग ला दर्रा है जम्मू कश्मीर राज्य में। निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो 6 महीने तक ये अवधि रहेगी लोकसभा की। और सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? लॉर्ड वेल जली। लॉर्ड वेल जली से संबंधित है सहायक संधि का सिद्धांत। और चिश्ती सुहरावर्दी और फेरदोशी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सूफी धर्म से हैं चिश्ती वगैरह ये शब्द हैं आपके फेरदोशी सूफी धर्म से संबंधित। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो गैम्बिट नहीं है, बाकी फ्री हिट ऑफ ड्राइव स्लिप पॉइंट वगैरह सभी क्रिकेट के वर्ड हैं। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबक के गुण को बरकरार रखता है? तो स्थायी चुंबक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो पांडे। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? करेक्ट आंसर है पांडे। नेक्स्ट है कि आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? तो आमतौर पर जाल वाली सिरा रचना पाई जाती है। और निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो इसकी है कृषि प्रधानता। अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी है? तो एनी बेसेंट ने रखी है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी है। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं RPSSI 13 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिट्रिक एसिड का आपके प्राकृतिक स्रोत है नींबू, और दूध है ये आपके लैक्टिक एसिड का है, इमली टार्ट्रिक एसिड। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, तो इसे बोलते हैं सिंचाई। फसलों को नियमित अंतराल पर जो पानी की आपूर्ति की जाती है उसे सिंचाई बोला जाता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपके 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की है? तो दंती दुर्ग ने की है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने।
और डूरंड कप, जो डूरंड कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल का कप है, डूरंड कप, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड की सजा पाए जाने जो व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति है, तो ये आपके राष्ट्रपति के पास में होती है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लीन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस निम्न में से वर्ष में पारित लाया गया था? तो यहाँ पे पूछा गया है कि लॉर्ड लीन लिथगो द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव है ये कौन से वर्ष में लाया गया था? 1940 में लाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। और राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में, ऑप्शन डी करेक्ट। IPPB इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। काला हरी रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है काला हरी रेगिस्तान। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये आपके 2010 है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक में है विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है? तो अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम है सातवाहन राजवंश के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार करेक्ट हो जाएंगे, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे अर्ध ऋण लिखित दस्तावेज हैं जो जो आपके कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं। तो अर्ध ऋण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे अर्ध ऋण लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है। अगला है कि केन्या की मुद्रा का नाम पूछा है, तो केन्याई शिलिंग हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम ने, छोटी दूरी की धावक हिमा दास है इसको किस राज्य के खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? असम राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो दिल्ली में टोटल 7 आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे सबसे अधिक है। और शोएब अख्तर का उपनाम आपको पूछा है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौरव बिधूरी किस खेल से संबंधित है? तो गौरव बिधूरी है मुक्केबाजी से। और इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है? तो ये इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है केरल राज्य में, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्यूबा की राजधानी पूछा है तो हवाना हो जाएगी आपके। वाष्प का तरल में परिवर्तन, तो वाष्प का तरल में जो आपकी वाष्प है वेपर का लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा संघनन, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आपका 4 नंबर पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? तो ये आपके 1858 में हुई है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर आपका करेक्ट आंसर है। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, यह आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरू हुई है। और क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए? अनिल कुंबले हैं, टेस्ट मैच के अंदर 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले, जो कि क्रिकेट टेस्ट मैच की बात हो रही है।
और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है आपके चाइना है, और सेकेंड आपको पता है भारत का है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। और लार्ड सर स्टेडियम निम्न में से किस देश में है, लॉर्ड्स स्टेडियम, तो लॉर्ड्स स्टेडियम आपके सॉरी यहाँ पे इंग्लैंड में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शवपोषी है, ये आपके पूछा गया कि शवपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो चुका है, 3 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मद्रास हाईकोर्ट के। महारैली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो महरौली का जो लौह स्तंभ है ये आपके दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन सी धान्य या फिर अनाज फसल नहीं है, तो शीशम आपके अनाज फसल नहीं है। तनाव इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेस है, ये ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके, स्ट्रेस बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, F/A होता है, दाब होता है, तनाव कहें दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 × 10^6 मीटर होती है आपकी पृथ्वी की रेडियस। फिनॉल का रासायनिक सूत्र आपको पूछा है, तो फिनॉल ये आपकी बेंजीन संरचना के ऊपर OH समूह होता है इस टाइप से आपका, ये आपका फिनॉल है यानी C6 और H5OH, इसे फिनॉल बोला जाता है। और अब यहाँ पे इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट है आपके RPSI 16 जनवरी की प्रथम पारी है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो काहिरा सिटी है ये नील नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है, तो सशक्त केंद्र को। मऊना लोहा ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है, तो हवाई द्वीप आपका करेक्ट है यहाँ पे। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कच्छ का रण आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो ओडिशा राज्य में किया जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ योजना का आयोजन। विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है, तो विशिष्ट बहुमत से आशय है आपका सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इससे पहले विशिष्ट बहुमत क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सदन के जो कुल सदस्य हैं उनके 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित आपके सदस्यों के 2/3 का बहुमत यदि आपको मिल जाता है मतदान, तो वो आपका विशिष्ट बहुमत कहलाता है। प्रसिद्ध पुस्तक है माल विकाग्नि मित्र किसने लिखी, माल विकाग्नि मित्र है ये कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों को वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो बाजारों का वर्गीकरण किया है प्रोफेसर मार्शल ने 4 वर्ग में, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबाद जाधव, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, खासाबाद जाधव तो ये आपके दोस्तों कुश्ती से है रेसलिंग में है, ऑप्शन डी करेक्ट है जाधव, खासाबाद जाधव। दांत की ऊपरी चमदार सतह क्या कहलाती है, तो दांत की जो ऊपरी सतह होती है उसे बोलते हैं जड़, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, तो ये आपकी 5वीं योजना है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था, औरंगजेब के बाद आपके बहादुर शाह प्रथम थे नेक्स्ट उत्तराधिकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं एनसीए। ये कहलाते हैं दोस्तों एनेंसियोमर्स। क्या कहलाते हैं? एनेंसियोमर्स कहलाते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं एनसीओमर्स। प्लासी का युद्ध आपके 1757 में हुआ था। और कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आपके विश्व बैंक के द्वारा। 1828 में जो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, 1828 में, ये राजा राममोहन राम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे हो जाएगा आपके राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। आश्रम की सत्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सत्रीय नृत्य जो असम का लोक नृत्य है, ये आपके शंकर देव हैं, इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के किस देश के साथ जो पड़ोसी देश है भारत का, जहां पर एक भी बंदरगाह नहीं है, वो अफगानिस्तान है, ऑप्शन बी। कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? तो साइना नेहवाल है, ये टेनिस से संबंधित नहीं है, बाकी फेडरर, बोपन्ना और विलियम्स हैं। और निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो USA राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है? मैसूर। वाडियार राजवंश का उदय हुआ था आपके मैसूर क्षेत्र में। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उनके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? 20वें के अंतर्गत आता है 368 अनुच्छेद। और बेंजेनामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन। बेंजीन एमाइन है जो इसका सामान्य नाम है दोस्तों, एनिलीन। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया आपके आंध्र प्रदेश। अ से आंध्र प्रदेश हो गया अभ्रक का। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? ड्यूस। ये दोस्तों तैराकी का नहीं है ड्यूस शब्द। और सैल्यूटेशन किस खेल से मूल क्वेश्चन है? सैल्यूटेशन है, ये जुडो का टर्मिनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रास होती है ये दोस्तों, रेंज, ऑप्शन डी करेक्ट है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो मरकरी क्लोराइड इसका खनिज है कैलोमेल। कौन सा है? कैलोमेल है। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप होते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर तो 65.46% थी, भारत में महिला साक्षरता की दर थी। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। और द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो शैपवुड। जो सेकेंडरी जाइलम है उसके हल्के रंग वाले जो बाह्य क्षेत्र हैं, आउटर जो रेंज है, रीजन है, तो और किस नाम से ये बाह्य क्षेत्र को जाना जाता है? तो शैपवुड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? भारत के नागरिकों से है मौलिक कर्तव्यों का संबंध। बॉस जल संधि ये आपके हैं। तस्मानिया को किस देश से अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। बॉस जल संधि है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। कोई भी वस्तु के उत्पादन के लिए कोई कंपनी खर्च करती है उसे व्यक्तिगत लागत बोला जाता है, ऑप्शन सी। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? संसद के सामान्य बहुमत द्वारा है। संसद के कानून में आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हो। बंगाल के दोहरे शासन की नीति किसने लागू की है? बंगाल में जो दोहरे शासन की नीति है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है आपका। पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी?
तो आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी पेरियार ईवी रामास्वामी ने, आत्म सम्मान आंदोलन की सुधार की शुरुआत की थी। और शिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल ओडिशा राज्य में स्थित है आपके। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ताप्ती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। हॉकी के खेल में निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर है हॉकी का। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका बोलते हैं आप। और रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन है नम भूमि से संबंधित है। और व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? व्यपगत का सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। दी गई श्रृंखला यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के जीके के क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके नेक्स्ट पारी है, 16 जनवरी की सेकेंड पारी है। इसका पहला क्वेश्चन, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC है, इसका मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो लंदन में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। और किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली है? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली है? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका करेक्ट है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों सिद्धार्थ है बुद्ध का वास्तविक नाम। और यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो इसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, ये स्थिति कहलाती है यूरिमिया। जब किडनी कार्य नहीं करती है उसमें यूरिया की मात्रा एकत्रित हो जाती है तो ये स्थिति कहलाती है यूरिमिया। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्तमान में राज्यसभा, ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, अभी जो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 245 आपका करेक्ट आंसर है। और प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजूरी, जो प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजूरी है ये निम्न में से किस राज्य में? ये आपके केरल राज्य में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधान को। और अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। साइन डाई इस शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपी। यूरोप और एशिया के मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान है उसे स्टेपी बोला जाता है। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है ये कौन से शहर? मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? मदुरे, मीनाक्षी मदुरे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीस कुरियन है। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? ये संविधान के अनुसार हो सकता है बिल्कुल। निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? उबेर कप, ये आपके महिला बैडमिंटन खेल से है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का नाम बदलकर, पहले था नाम दोस्तों पांडिचेरी और इसका कब नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया है? तो पुदुचेरी है 2006 में इसका नाम परिवर्तित हुआ था पांडिचेरी का पुदुचेरी। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय, ये आपके हो गया मुद्रास्फीति अंतराल। और एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि आपकी होती है फरवरी से मई तक होती है। क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? स्प्रिंट से है। क्राउच स्टार्ट है स्प्रिंट है जो कि रनिंग का है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है कि समविभव तल है। समविभव तल ये नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, ये आपका समविभव तल है। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है अनुनाद। क्या कहलाती है दोस्तों? अनुनाद कहलाती है। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ है पतझड़। खरीफ है जो खरीफ, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पतझड़। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है पतझड़। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ है? तो इसका हुआ है आपके 1997 को हुआ है पुनर्गठन। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो शाहीवाल। दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी दोस्तों? शाहीवाल है। और अगला है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
मुर्रकों का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के ये रसायन कहलाते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? पैराग्वे यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए। प्रोफेसर गुरु दत्त सौंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया है? तो एशियाई खेल संघ की स्थापना में जो योगदान दिया है वो प्रो गुरु दत्त सौंधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 भाषाओं को टोटल कल्चरल लैंग्वेज है, सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये अलग क्वेश्चन है। किताब उल रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इब्न बतूता आपके करेक्ट हो जाएगा। किताब उल रिहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। और भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? मालदीव, ऑप्शन बी करेक्ट है। भूमध्य रेखा है ये मालदीव से होकर गुजरती है। और वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? वर्धक, ये आपके उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, वर्धक होता है। और निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है, ये आपके कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। मूल अधिकार कौन से हैं? तो बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार है, यही आपके मूल अधिकार होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है पेप्टीकरण। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम नंबर्स हो सकती हैं 552 हो सकते हैं मैक्सिमम सदस्य। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कार्य फंक्शन होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कार्य फंक्शन होती है। किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है, यदि आप किसी धातु में उतनी ऊर्जा दे देते हो तो तब आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से मुक्त हो जाएगा, वो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा आपकी कहलाती है, कार्य फंक्शन हो जाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप। अशोक की लिपि को प्रथम बार पढ़ने में सफल हुआ था जेम्स प्रिंसेप। तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला, जो टर्शरी कोयला है, तृतीय कोयला है, इसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट। और भारत में सबसे बड़ी शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह है कोचीन। कौन सा दोस्तों? कोचीन है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक है। और वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों निष्कासन। क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि रेड और येलो कार्ड दोनों एक साथ वॉलीबॉल गेम्स के अंदर दिखा दिए जाते हैं तो मतलब हो गया कि आपका निष्कासन हो गया है, ऑप्शन निष्कासन डी करेक्ट है। पत्तियों में वाष्पोत सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है, रंध्र। पत्तियों में वाष्पोत सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। जैंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैंद अवेस्ता तो पारसी धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला है? तो महिलाएं ओलंपिक खेल में भागीदार हो सकती थी या फिर भाग ले सकती थी, इसका जो अधिकार मिला है वो आपके 1900 को मिला था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो स्थगन से ही इसको यहाँ पे व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1952 में, ऑप्शन सी करेक्ट है।
और अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। किसी अभकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है, तो संगत आवर्ती कहलाती है। और नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ है, तो 3 जनवरी को हुआ है आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं आरपीएफ एसआई 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है, तो रामलीला आपका करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है आभा मंडल, क्या कहलाता है, आभा मंडल कहलाता है सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत। नेक्स्ट है कि स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ है, तो सिलाम्बम जो कि स्वदेशी खेल है सिलाम्बम, इसका उद्भव हुआ है तमिलनाडु से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो संसद के दोनों सदस्यों से, सॉरी संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों प्लस राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन हो गया आपकी लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उधार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है, तो छोटे उद्योगों के लिए सिडबी एसआईडीबीआई के मेक इन इंडिया लोन स्माइल, तो इसका गठन किया गया है। निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं के नाभिक में पुनर्योगज डीएनए को डायरेक्टली प्रविष्ट किया जाता है, वो आपकी विधि है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन विधि है। और एक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो एक्सट्रोज को सॉरी डेक्सट्रोज, यहाँ पे डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज को सामान्य नाम से ग्लूकोज के जो इसका अन्य नाम है डेक्सट्रोज या फिर ग्लूकोज कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं, वो विश्व की किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 5 महाद्वीपों को करते हैं ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं, तो ये 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है, तो आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक है आयनीकरण तापीय धारिता। भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम NLRMP की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो 2008 में हुई थी आपके भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम की शुरुआत। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, तो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है होर्मुज जल संधि। और भारत के संसद में एक सदन है, 2 सदन, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं उत्तरी वृत्त, महानदी और कृष्णा नदी के बीच के तटीय मैदान उत्तरी वृत्त कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, तो डोमिंगो पेस आपका करेक्ट है। कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, डोमिंगो पेस करेक्ट है। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे, 1975 में। मैगिनोट रेखा है, ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है, नाम है मैगिनोट रेखा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है मैगिनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो तिस्ता की सहायक है रंगीत नदी। हॉकी खेलने के लिए मैदान को कहा जाता है, तो हॉकी का ग्राउंड होता है इसे बोलते हैं फील्ड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। और 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली बार प्राकलन समिति का गठन हुआ था, तो जॉन मथाई की अनुशंसा पर प्रथम बार आपकी प्राकलन समिति का गठन हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक है ये पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। और एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है मध्यमान मुक्त पथ होता है, मध्यमान मुक्त पथ जो कि एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों को रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया आपका स्थल है हड़प्पा। डायोड में गतिक प्रतिरोध, उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का जो रेशियो होता है, वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का रेशियो है गतिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध है? डायोड के अंदर गतिक प्रतिरोध। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम। और पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है फोटोपीरियोडिज्म। क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज को अपदस्थ करने का प्रावधान इस अधिनियम में आता है, आपके 1968 का अधिनियम है न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? उपरोक्त सभी पहाड़ियाँ यहाँ पे नलमला पर्वतमाला और वैली कोंडा जवादी, ये सभी आपके पूर्वी घाट का हिस्सा है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, शून्य वेक्टर आपके शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। संसदीय समितियां होती हैं तो 2 प्रकार की होती हैं टोटल संसदीय समितियां। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो, जैसा कि आपको पता है खजुराहो मंदिर एमपी में है, तो खजुराहो नृत्य उत्सव भी ये एमपी में। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और भारत और चाइना के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है मैकमोन रेखा। इंडिया चाइना के जो मध्य बाउंड्री लाइन है वो मैकमोन कहलाती है। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू। भारत कोकिला या फिर बुलबुल है, इनके नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। और काकोरी कांड है, ये कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था इसमें? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये काकोरी कांड में सम्मिलित एक क्रांतिकारी समूह था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई थी, तो ये 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? निर्गुण। निर्गुण भक्ति की शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। और किस देश की 3 राजधानियां हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर श्री का निर्माण निम्न में से किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर है ये। निम्न में से किस खेल में नेट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कबड्डी में नेट का उपयोग नहीं होता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो रिट आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप आपके ताप कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर हुई है। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये आपके चोल राजवंश से संबंधित हैं प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख। यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो झारखंड राज्य में यूरेनियम की खानें पाई जाती हैं, झारखंड में। एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? एक्रोबैटिक्स है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के जीके की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपके RPA पैसा, ये 19 दिसंबर की प्रथम पारी की है। और तो 19 दिसंबर में देखते हैं जो E+F ग्रुप का एग्जाम हुआ था SI का। तो पहला क्वेश्चन है कि गैलियम तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको पूछा है, तो 31 होता है गैलियम का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सी रंगराजन थे। और अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वर्नर हाइजेनबर्ग आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो चांद मीनार है ये आपके विश्व विरासत स्थल नहीं है जो यूनेस्को के अंतर्गत आती हैं। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम आपको पूछा है, तो चर्सी करेक्ट है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम है चर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ये आपकी आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा नहीं बन सकता है। और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के प्रेसिडेंट।
और नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था आपके पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की आपको दूरी पूछी गई है, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर है सूर्य और मंगल के बीच की दूरी। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा। और दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो के बीच में मैं आपको एक कूपन कोड बताऊंगा, जिसकी सहायता से आपके 40% ऑफ में आप PDF फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कूपन कोड है दोस्तों YTTTGK। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेम्स नदी किस नदी में बहती है? तो ये इंग्लैंड में बहती है आपकी थेम्स नदी, इंग्लैंड में। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? मैग्नस कार्लसन। और अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसने लिखी है? तो सौरव गांगुली ने लिखी है पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली ने। अगला क्वेश्चन है कि पच पीयूष ग्रंथि, तो पच पीयूष ग्रंथि है ये क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो बैक रो अटैक का उपयोग होता है वॉलीबॉल में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो इसे स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा है जो कि पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो ओडिशा के जंगलों में निवास करते थे खोंड जनजाति के लोग 19वीं शताब्दी में। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये खत्म किया जा सकता है। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच हैं आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। ऑक्जेलिक अम्ल जिसका प्राकृतिक स्रोत मैंने बताया था आपको टमाटर, तो इसका UPSC नाम होता है एथेंडोइक एसिड। क्या होता है? एथेंडोइक एसिड। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रिपीटेड क्वेश्चन लाहौर आपका करेक्ट आंसर है। बोधिसत्व शब्द ये भी रिपीटेड है, बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और टोंगा की खाई ट्रेंच ऑफ टोंगा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOS का आयनीकरण आपको नीतांक पूछा है, तो 1.74 × 10⁻⁵ यहाँ पे करेक्ट है आपका। ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। संवेग ज्ञात करने का सूत्र आपको पूछा है, तो द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा आपके संवेग का। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मालदीव है ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। RTGS का फुल फॉर्म पूछा है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा आपके RTGS का फुल फॉर्म। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? UP के, ये भी रिपीटेड है आपके। और पुस्तक है द आर्क्योलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज़, द आर्क्योलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज़ है ये किसने लिखी है? तो दिलीप कुमार चक्रवर्ती आपका करेक्ट आंसर है। और खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चंदेलो द्वारा। जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है ये आपके चंदेलो द्वारा बनवाया गया है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ है खेड़ा सत्याग्रह? गुजरात करेक्ट है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। और यूथ ओलंपिक गेम 2018 आपके ब्यूनस आयर्स के अंदर हुए थे। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 करेक्ट है। कौन सा एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो दुर्लभ मुद्रा नहीं पूछा है, तो कुवैती दिनार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर है, यूरोपियन यूरो, कनेडियन डॉलर है, ये सभी दुर्लभ हैं और कुवैती दिनार आपके नहीं है दुर्लभ। कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1847 एना डोमिनी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो लोकसभा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ECGC का मुख्यालय कहाँ पर? ये मुंबई में है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 को हुई थी।
नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं? तो बेसिन कहलाती है। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ हैं, ड्रेन्ड एरिया, ये आपके बेसिन कहलाती हैं। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा समुद्री तट। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में है? तो टेनिस का है। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था श्री गुलजारीलाल नंदा को। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा योग सूत्र। कोलंबिया की मुद्रा का नाम पूछा है, तो कोलंबिया की मुद्रा का नाम है आपके कोलंबियन पेशो। और 18 की घात, सॉरी 10 की घात -18, ये उपसर्ग है आपके एटो का, ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पारी के जीके के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट शिफ्ट है आपके 19 दिसंबर की, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है 19 दिसंबर की, ये तृतीय पारी। खड़ी और चट्टानी दीवारों हैं ये घिरी खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो तंग नदी घाटी हो जाएगी, जो कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी हुई गहरी घाटी है, तंग नदी घाटी। फॉर्मिक एसिड HCOOH का आयनीकारक जो नीतांक होता है, ये आपके 1.8 × 10⁻⁴ करेक्ट हो जाएगा। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो कभी भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ, जो पद की ओथ है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? दोस्तों मेलोनिक एसिड का IUPAC नाम है प्रोपेंडोइक एसिड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर, तो ये आपके हो गई है यहाँ पे 14 कर दी गई है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्रंथि है, इसके द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा है? 1968 तक रहा है। कलरीपयट्टू, ये दोस्तों कलरीपयट्टू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है कलरीपयट्टू। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो इनके हैं एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हांगकांग नहीं करता है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम है तमिलनाडु राज्य में। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी आपके फनोम पेन। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर YV रेडी करेक्ट। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके बल बटा लंबाई। इसका काफ़ी बार यहाँ पे मात्रक पूछा जाता है, तो बल का आपको पता है न्यूटन है और लंबाई का मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मूल रोम है, ये आपके एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो सेल है SAIL, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर? ये आपके नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। कौन सा खिलाड़ी हॉकी से बिलोंग नहीं करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा रोरी मैक्लोरी। भूतल के नीचे का जलस्तर कहलाता है वाटर टेबल, ऑप्शन सी करेक्ट है। भूतल के नीचे का जलस्तर वाटर टेबल कहलाता है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका USA की नदी है। और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो चित्रित प्रतिमा है, ये आपके एलोरा की गुफाओं में मिली है। एक अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा करेक्ट है। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर हैं, और क्रिकेटर विराट कोहली को। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ है? बंगाल में। पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में हुआ है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है भारत का संविधान। और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना पुणे में हुई है। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 है। सोंग्राम संगमा विद्रोह ये असम में हुआ था।
दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव है ये पास हुआ था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो 1963, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रथम बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 को। और किसने दो लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो दो रेगुलर टेन्योर हैं जो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रहे हैं। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो फ्री स्टाइल का उपयोग होता है कुश्ती में। नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 एना डोमिनी को। अनिल कुंबले का उपनाम जम्बो है। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है दोस्तों? जम्बो। जावा की खाई, ट्रेंच ऑफ जावा, किस महासागर में है? हिंद महासागर। जावा की खाई है हिंद महासागर में। और वस्तुओं के वैश्विक संकेत हैं अधिनियम कब लागू हुआ था? वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है, ये आपके 1999 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है SLR का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है SLR की फुल फॉर्म। और भारतीय संविधान प्रदान करता है तो एकल नागरिकता, कौन सी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुंफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो हाथी गुंफा शिलालेख है ये खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है SI पत्ती में गुणज 10 की घात -15, ये उपसर्ग है फेमटो का, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा का नाम पूछा है, तो ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है दोस्तों? ईरानी रियाल। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? 108.2 मिलियन किलोमीटर है सूर्य और शुक्र के मध्य की दूरी। वृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वराह मिहिर के द्वारा वृहत संहिता बुक्स लिखी गई है। और विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो अवमूल्यन हो जाएगी जब विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष गिरने लगता है, अवमूल्यन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हुतोम प्यांचार नक्शा ये पुस्तक किसने लिखी है? तो काली प्रसन्न सिंह ने लिखी थी। और इससे आपका लास्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं RPSI 24 दिसंबर के प्रथम पारी के क्वेश्चन। तो पहला जीके का क्वेश्चन है आपके 24 दिसंबर का, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बिहार में किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र करेक्ट हो जाएगा। अधिवृक्त ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या स्रावित करती है? तो कोर्टिसोल हार्मोन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 है इसमें इंडिया यानी भारत है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन पाबना किसान विद्रोह ये निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है आपके पाबना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो एड्रिया अर्शोविक नहीं है इसमें ऑप्शन में, बाकी सभी तीरंदाजी के हैं। SI पत्ती में 10 की घात 24 आपके योटा होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो दो बार लगातार रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष AM खुसरो आपका करेक्ट है। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमुक्त माल्यदा पुस्तक के लेखक है कृष्ण देव राय। और शक्ति का आपको यहाँ पे यूनिट पूछी गई है, तो आपकी W/T हो जाएगी, यानी यहाँ पे सूत्र है कार्य बटा समय हो जाएगा। और वॉट इसकी इकाई होती है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? एथलेटिक्स में होता है फॉल्स स्टार्ट। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटिस आपका करेक्ट आंसर है, हिप्पोक्रेटिस। और
रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल किला है, आपके इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित किया गया है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य और देखिए दोस्तों आपको जो भी ग्रह है इन सभी के बीच में दूरी, जैसे पृथ्वी के अन्य ग्रहों के साथ और सूर्य के अन्य जितने भी आपके टोटल 8 ग्रह हैं तो सभी के साथ कितनी डिस्टेंस है, ज़रूर एक बार याद करके जाइएगा, क्योंकि लगभग प्रत्येक पारी में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सूर्य और बुध के बीच की दूरी है 57.91 मिलियन किलोमीटर। गटका एक मार्शल आर्ट है, तो ये राज्य है पंजाब की, गटका पंजाब की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की है, ऑप्शन बी करेक्ट इसमें। और अल्बेनिया की राजधानी है तिराना, अल्बेनिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तिराना है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं मेजोफिल। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले टिश्यू मेजोफिल कहलाते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम आपको पूछा है तो यूरो हो जाएगी। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। और निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? सेशल्स आपका करेक्ट है। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप आपका करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा, तो अधिकतम का तो यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं है, कोई आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है अधिकतम। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में वर्तमान कितनी शेड्यूल हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे मोरारजी देसाई। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान। और सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? सनी डेज ये पुस्तक है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई बुक्स है। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन से भारतीय खिलाड़ियों को दिया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था जो कि शतरंज प्लेयर है। वोल्गा नदी किस देश की है? तो ये रूस में बहती है वोल्गा। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर आपके स्टार्ट हुआ था 1973 को। मरियाना की खाड़ी जो मरियाना ट्रेंच है ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? सो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। बोरॉन तत्व है ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन का होता है यहाँ पे 5। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूली थे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष। हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ नेल्सन कुश्ती में होता है, किस में होता है? कुश्ती में। एडिपिक एसिड का यूपीएससी नाम हो जाएगा हेक्सेंडाइकोइक एसिड है। एडिपिक एसिड एडिपिक का है हेक्सेंडाइक डाइओइक एसिड। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नोवाक जोकोविच का उपनाम आपके नोली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी है तो ईटानगर हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। तिरुपति गुड़िया जो डॉल से ये बनी होती है तो लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है तिरुपति गुड़िया। जमींदार सभा की स्थापना आपके 1838 में की गई थी। और नीति आयोग में जो नीति की फुल फॉर्म आपको पूछी है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपकी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट इसका जो 49वां क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है तो वह मुहाना क्या कहलाता है नदी का? तो इसे बोलते हैं आपके एस्टुअरी, जो नदी का ज्वारीय मुहाना होता है जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है एस्टुअरी कहलाता है, जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है जीके का। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो सस्ती मुद्रा कहलाएगी आपकी। और नेक्स्ट आपके दो और शिफ्ट रह गई हैं इस वीडियो में तो कवर करेंगे अपन। तो अभी ये जो शिफ्ट है आरपीएफ एसआई की 6 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रांसलेशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये जो शिफ्ट के क्वेश्चन हैं मेरे को दो शिफ्ट हैं जो इंग्लिश में मिली थी इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था वो मलिक काफूर आपका करेक्ट आंसर है।
और सेकंड शिफ्ट का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो मैकाल जो रिज है ये आपके विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला है, इन दोनों को जोड़ने वाला है मैकेल रिज, विंध्य और सतपुड़ा को। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक एकत्रीकरण, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, 1990 आपका करेक्ट है। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र को साहेल के रूप में जाना जाता है, साहेल के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल, देखिए आपातकाल का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत है? तो भाग नंबर आपका हो गया 10 और 5, 15 और 3, 18, भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो ये आपके ली गई है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा, तो कनाडा से ली गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये कहाँ का? लावणी महाराष्ट्र का, लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये आपके प्रतिलेखन हो गई, जो डीएनए से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया प्रतिलेखन हो गई। थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज में दिक्कत है क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो अध्यक्ष को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये थोड़ा दिक्कत है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार करता है मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से है? बी ड्रिबलिंग है ये हॉकी में, हॉकी की स्किल है बी ड्रिबलिंग। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की यहाँ पे बन जाएगी? ये रिक्ति भर्ती हो जाएगी। कौन सी भर्ती बनती है? तो रिक्ति भर्ती, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन में दिक्कत है दोस्तों। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम आपको पूछा है, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। ट्राइसोमी 21 है ये आपके डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आती है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में हुए हैं? अर्जेंटीना में हुए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अजिता के चित्र हैं ये बहुत सामान्य विषय है, तो ये भी थोड़ा इश्यू है लैंग्वेज में। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है, हस्तक्षेप, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है आपका। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो रूसी क्रांति से ली गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बती पठार, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे कहते हैं बैंक दर, जिस दर पर बैंक है बैंकों को कर्ज देता है उसे बैंक दर बोला जाता है। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है, तो ये आपके ध्रुवीकरण हो जाएगा द्विध्रुवीय। और स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में प्राग, ये दोस्तों थोड़ा दिक्कत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो ड्रिबल नहीं है, बाकी ट्रैपिंग, पोल, कूदो, बेईमान, ये थोड़ा यहाँ पे शब्दों में इश्यू हो यहाँ पे क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत है आपकी, तो ड्रिबल आपके नहीं है खो खो का। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन है? तो वेनिस का आपके मार्को पोलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? नागेश्वर आपका करेक्ट है। और रूस है देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है, तो रूस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। जूनियर हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में डंस भी कहा जाता है, तो ये डंस आपका करेक्ट है। इसमें चार चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो महादायी जल विवाद
न्यायाधिकरण में राज्य आपके गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो ये आपके बेरिंग स्टेट से कनेक्ट हैं, आई थिंक ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शन करता है कोबरा, किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शन होता है कोबरा, तो ये आपका कोबरा हो गया। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को कहा जाता है खद्दर बोला जाता है, जो कि नदी के मार्ग में बनती है जलोढ़ भूमि खादर। अगला है कि किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है, तो औपचारिक सूत्र का उपयोग होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है, सूर्य सिद्धांत। भारतीय संविधान ये आपके 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है, महमूद गजनी ने। प्रसिद्ध बोरोबुद्धुर मंदिर है ये किसको समर्पित है, बुद्ध को है। प्रसिद्ध बोरोबुद्धुर मंदिर बुद्ध को समर्पित मंदिर है। और किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, और ये थोड़ा इश्यू है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया आपके। कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो एलिफेंटा गुफा आपके करेक्ट हो गया। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो परिमाण विश्लेषण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है, तो पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है, तो ये जो होता है इसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो मिजोरम में है, जो वानिकी है उसका प्रतिशत सर्वाधिक मिजोरम में है। 1945 में लोगों की योजना M.N. रॉय द्वारा तैयार की गई थी। और अगला है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 2018 में। और फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था, तो ये आपके हो गया हिसार का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ, तो ये इस वीडियो की लास्ट पारी है, लगभग यहाँ पे ये 23वीं शिफ्ट है। तो यहाँ पर भी ये जो दो शिफ्टों हैं जिसमें मेरे को पेपर इंग्लिश में मिले थे, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। तो ये है आपके RPFSI 10 जनवरी की सेकेंड पारी। तो इसका पहला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कौन सी है, तो मिजोरम की राजधानी आपके आइजोल करेक्ट है। कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है, सरसों नहीं है, बाकी तरबूज कद्दू ककड़ी वगैरह जो भी आपके फसलें होती हैं ये जायद की हैं, सरसों नहीं है इसमें से। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ, ये आपके ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। और उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा, उपराष्ट्रपति है ये न तो लोकसभा का है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। दबाव का सूत्र आपको पूछा है, दाब का यहाँ पे एक्चुअल में है तो बलबटा क्षेत्रफल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष, दोबारा रिपीट हुआ है, 2013 अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है 2013 को। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है, गोल्डन ईगल है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक है गोल्डन ईगल। और एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण, दरों का गैस में वाष्पीकरण, कार्बन की परमाणु संख्या 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। और निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है, तो पंचमहल आपके शाहजहां ने नहीं बनवाया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया है, गुलजारीलाल नंदा ने काम किया है नेहरू जी की मृत्यु के बाद। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है, तो भारतीय क्रिकेट ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। NPCI का पूर्ण रूप है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है, तो NP आपके CI की फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और कौन सा एसिटिक एसिड का प्राप्त यहाँ पे नेचुरल सोर्स है, तो एसिटिक अम्ल का सिरका है।
नेक्स्ट है कि वारली फॉक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र। सरदार सरोवर बांध में स्थित है, तो ये आपके गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। मिथेन के लिए सूत्र है, तो मिथेन का आपको पता है CH4 होता है मिथेन का। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है? तो रशिया हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? बिहार आपके घनी आबादी वाला राज्य बिहार हो गया। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो MP में है सांची का स्तूप, MP में। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपके जो US ओपन है, विंबलडन वगैरह, ये टेनिस से है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, पौधों के स्वच्छ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें उर्वरक बोला जाता है। ब्राज़ील का मुद्रा आपको पूछा है, तो ब्राज़ील का है ब्राज़ीलियाई असली, ऑप्शन बी करेक्ट है। केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी आपका करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की आपको दूरी पूछी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3.8410^5 किलोमीटर। PT ऊषा का उपनाम है दोस्तों पयोली एक्सप्रेस, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता है। और आधुनिक मनु के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपके 1932 में आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट है कि मीका है, ये आपके सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है और जिसमें जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो चरबा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1937 में। और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें होती हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वल्लभी है आपके गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सोनार का विस्तार है आपके धवनी नेविगेशन और रेंजिंग से है सोनार का विस्तार। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर आता है। पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में है? पर्थ आपके ऑस्ट्रेलिया में है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें एपिग्राफी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का। CA भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तलवारबाजी आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, 6 साल की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और लोसार त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार है बौद्ध धर्म का त्यौहार है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपके वो है कि फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 की लिस्ट में कौन सी शीर्ष स्थान पर रही है? तो सेरेना विलियम्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 23 पारियों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपके टोटल PDF पेज की बात करें तो 721 पेज की PDF फाइल है और इस PDF फाइल में टोटल आपके 23 पारियों में क्वेश्चन है और प्रत्येक पारी में 120 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सभी लगभग सेप्टों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और मात्र ये आप ₹30 का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी और कोई भी आपको इश्यू आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी gmail ID है, यहाँ से नोट कर सकते हो। toptrendinggk@gmail.com है जो कि चैनल के नाम से ही है, तो वहाँ पर आप मैसेज सेंड कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बड़ा वीडियो बना है जो लगातार बनाया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है।
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।